बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महामत कहे ए मोमिनो, एकाजी के घर की अभी तक बात, अब कहो हादिये की जिन खबर सुनी विख्यात। अवज्ञाकारियों पर रोष, मुलाकात सुल्तान की सुनी श्रीराज ने जब। प्रणाम जी सुंदर साची, हम इतने दिन से बीतक चर्चा सुनते आ रहे हैं और कई सुंदर साथ ऐसे होंगे जिन्होंने कई वर्षों से ये बीतक चर्चा सुन रखी होगी और उसके हर एक प्रसंग को कंठस्थ भी कर रखा होगा। और जब ये स्थिति आ जाती है सुंदर साथ की, तब उनको ये लगता है कि हमें जब सब कुछ पता है तो हम क्यों सुने या क्या सुने, ये बीतक तो हम हर साल सुनते आते हैं। और इसीलिए सुंदर साथ की जो संख्या है वो भी प्रतिवर्ष सुनने की कम होती जाती है। लेकिन अगर वास्तविकता में, अगर हकीकत में हमने बीतक को सुन लिया होता, उसको जीवन में उतार लिया होता, तो हमारी स्थिति क्या हो जाती? ये हम रहणी में स्थित हो जाते और धाम धनी और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं रह जाता। जो कुर्बानी 12 मोमिनों ने की, आप दिल्ली का प्रसंग कई दिन से सुनते हुए आ रहे हैं कि कैसे मोमिन श्री जी के साथ दिल्ली में रह रहे हैं, औरंगजेब की आत्मा को जागृत करने के लिए, उनको पैगाम पहुंचाने के लिए कई बार अलग अलग प्रयास करते हैं। कभी पत्र के द्वारा समझाया जाता है, कभी सनंद की चौपाइयों के द्वारा गायन करके उनको बताने का प्रयास किया जाता है, कभी रूबरू में पहुंच जाते हैं। और जब ये सारे प्रसंग घटित हो जाते हैं, तब अब जब औरंगजेब के दरबार में मोमिन रूबरू में पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनको कहाँ भेजा जाता है? सीधी पौलाद के हवाले किया जाता है उनकी पहचान जानने के लिए। और वहाँ पर सीधी पौलाद के द्वारा सुंदर साथ को प्रताड़ित किया जाता है, उनको कोड़ों से मारा जाता है, दुख दिया जाता है, शारीरिक यातना दी जाती है। उस समय कांजी भाई इन सारी घटनाओं का की चिट्ठी लिख के, पत्र लिख के श्री जी के पास जाते हैं। उस समय श्री जी रह रहे होते हैं दिल्ली से थोड़ा दूर कामा पहाड़ी के इलाके में। तो जब श्री जी के पास ये पत्र पहुंचता है, तब श्री जी क्या कहते हैं, उस घटना के विषय में आज हम सुनेंगे। और सुंदर साथ जी, हर साल जैसे मैंने कहा हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज जब हम सुनेंगे तो इतना अवश्य सोचें कि इस बड़ी पत्री के हर एक शब्द में, हर एक चौपाई में, हर एक चरण में हमारे लिए कुछ ना कुछ उपदेश दिया गया है। कैसे? इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे यहाँ पे पिता भी बैठे हुए हैं, माताएं भी बैठी हुई हैं, अगर आपका बच्चा जिसको धार्मिक संस्कार दिया गया है, जिसको बताया गया है कि कभी झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, अब वो कभी स्कूल में जाता है, कोई ऐसी घटना होती है जिसके कारण वो सच्चाई बता देता है, उस सच्चाई के कारण अगर किसी का बुरा होता है, किसी दोस्त का, और वो दोस्त उसको अपनी टोली के साथ मिलकर पीट देता है उस बच्चे को, अब वो बच्चा घर आता है और उसकी माँ उसकी स्थिति को देखती है। जब सारा घटनाक्रम उसकी माँ को कह के सुनाएगा बच्चा कि माँ तूने जो संस्कार दिए थे मुझे कि धर्म की राह पर चलना है, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, आज मेरा एक मित्र जब अधर्म की राह पर चल रहा था तो मैंने जब सत्य स्वीकार किया गुरुजी के सामने, तो मुझे इस प्रकार से इन लोगों ने प्रताड़ित किया है अन्य मित्रों के साथ मिलके।
उस समय माता का हृदय कैसा होगा और वो अपने बच्चे को कैसे प्यार से सीने से लगाएगी और कैसे सांत्वना देगी। उसका दिल कैसे खुश हो जाएगा कि आज मेरे बेटे ने मेरी कही गई शिक्षा को, धर्म की रक्षा के लिए जो शिक्षा मैंने दी थी उसका पालन करते हुए ये पीट के आया है। तो उसको कष्ट तो होगा बच्चे की स्थिति को देख के, लेकिन गर्व भी होगा और वो कितने प्यार से समझाएगी। अब ये तो यहाँ की माँ या पिता के दिल की बात है। अब हम सोचे कि ये पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है। वो 12 मोमिन उस समय औरंगजेब के दरबार में गए जब शरीयत का राज्य चल रहा था, और औरंगजेब इतना कट्टर था, हिंदू को देख भी लेता था, हिंदू का चेहरा भी अगर देख लेता था मस्जिद में नमाज पढ़ते समय तो वो क्या कर लेते थे, उसका भी कत्ल कर देता था। उस समय किसी भी हिंदू को अल्लाह ताला का नाम लेने तक की भी छूट नहीं थी, डर डर के उनको रहना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में 12 मोमिन श्री जी का आदेश लेकर क्यों गए वहाँ पर, परमधाम का कॉल निभाने के लिए कि मैं भूलूँ तो तू मुझे जगा देना और तू भूलेगी तो मैं जगा दूँगी। और वो औरंगजेब में हमारी परमधाम की साकुंडल की आत्मा है, उसी को जगाने के लिए वहाँ पर 12 मोमिन चले गए। और इसी उत्तरदायित्व को निभाते निभाते उनको कितना कुछ कष्ट झेलना पड़ा, और जब उस परीक्षा में से वो उत्तीर्ण हो गए उस समय श्री जी उनको दिलासा देने के लिए, और इस या इस चौपाई में क्या कहा गया है, श्री जी तो कौन है वास्तव में, मीराज जी का तन नहीं है, कौन है, मुलाकात सुल्तान की सुनी श्री राज ने जब, जब उस दिल में बैठे हमारे प्रियतम ने ये सारा घटनाक्रम सुना कि जब मोमिन वहाँ पर गए और कैसा कैसा उन पे जुल्म ढाया गया है, और फिर भी मोमिनों का ईमान डिगा नहीं है, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया कि वो इमाम मेहदी कहाँ पर है और कैसे मिल सकते हैं, और हंसते हुए उन्होंने ये सारा कुछ पूरा कुर्बानी का प्रसंग सर्वस्व अपना समर्पित करते हुए सब कुछ सहन किया। तो अब राजी जो कहते हैं कि दुख ना देव फुल पाखड़ी देखो शीतल ने, जो अभी मैंने कहा कि अब माता के हृदय में इतना प्रेम आ सकता है बच्चे के लिए, कदाचित बच्चे का कसूर भी हो और वो पीट के आया हो ना, फिर भी माता को एक बार तो दया आ ही जाती है बच्चे की स्थिति देखकर। तो जिसने ऐसी दुनिया की अनंत माताओं के दिल में प्यार भरा है, वो प्रियतम हमारे धनी, जिनके प्राणों के प्रीतम हम रूहे हैं, जिनका सब कुछ हम है, जो कहते हैं कि दुख ना देव फूल पाखड़ी देखो शीतल नैन, जो हमें फूल की पंखुड़ी लगने से भी जितना कष्ट होता है उतना भी कष्ट देने के लिए तैयार नहीं है, जो कहता है कि दुख आवे तुमको तहां आड़ा देऊं मेरा अंग, यदि आपको दुख भी आता है ना तो उससे पहले मैं अपना अंग आड़ा दे दूंगा, मतलब आप तक उसे नहीं आने दूंगा, मैं खुद उसको अपने ऊपर ले लूंगा। उस प्रियतम को जब पता चला कि मेरी रूह जिस तन में बैठी हुई है उस तनों को मेरा संदेश पहुंचाने के उत्तरदायित्व को निभाते हुए इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है, तो उस दिल से क्या प्रेम भरे शब्द निकल रहे हैं सुंदर साथ को संबोधित करते हुए, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कहा जाता है तो इसको बड़ी पत्री मतलब पत्र, लेकिन वास्तव में ये पत्र ना होकर हमारे प्रियतम के दिल का प्यार है हमारे लिए। और जितने भी सुंदर साथ हैं, हमको लगे कि अगर वो सुंदर साथ ने कुर्बानी की और उनके लिए बताया गया तो हम आज क्यों सुन रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, श्री जी क्या कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो सिर्फ और सिर्फ उन सुंदर साथ के लिए नहीं है, ये पत्री हम सब सुंदर साथ के लिए है कि साथ समस्त सुरधीर और जो लड़ने वाले इन समय, जो 12 मोमिन थे और उनके साथ 4 अन्य मोमिन भी थे, जो प्रत्यक्ष रूप से तो सुंदर साथ गए थे औरंगजेब के दरबार में, लेकिन अन्य सुंदर साथ भी थे, जैसे लाल बाई थी, श्याम बाई थी, राम राय थे, अनंत राम थे,
वो सुंदर साथ भी तो चिंतामणि जी, लालदास जी, शेख बदल जी, गंगाराम जी, इन सब के साथ ये सारे सुंदर साथ प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थे, लेकिन परोक्ष रूप से शामिल थे। तो श्री जी कह रहे कि उनके लिए और जो कोई आशा करे एक हया तीन से, और जो कोई अन्य सुंदर साथ भी है जो जागने की राह पर चल निकले हैं, उन सब के लिए इस पत्र में श्री जी के द्वारा, हमारे राज्य के द्वारा निर्देश दिया गया है, संबोधित किया गया हमें कि हमें किस तरह से जागने के कार्य को आगे बढ़ाते हुए इस संसार में हमारे धनी की पहचान को जाहिर करते हुए वापस अपने घर चलना है। अब क्या कहा जा रहा है सुंदर सार जी कि भेजे इनो तीन को दिया कसाला जोर। श्री जी कह रहे हैं कि मेरे कहने पर आप गए थे, आप अपनी इच्छा से नहीं गए थे, कोई लौकिक कार्य के लिए नहीं गए थे, मेरा संदेश लेकर आप औरंगजेब के दरबार में गए थे, और आप पर जो कसाला हुआ है, आपको जिस तरह से दुख हुआ है या प्रताड़ित किया गया है, अब लिए कहाँ जात है मारो इस ही शोर। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करना, ये जो मुसलमान है जिन्होंने आप पर सितम ढाया है वो खुद ही क्या हो जाएंगे, ये अत्याचार करने वाले मुसलमानों का अवश्य ही विनाश हो जाएगा, आपको उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मारना पैगंबर, और क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से किसी पैगंबर को मारने से कितना पाप लगता है, उसी तरह से अगर उस पैगंबर का संदेश लेकर कोई जा रहा है और उसको अगर कोई प्रताड़ित करता है, उसका अपमान करता है, उसको कोई कटु वचन कहता है, तो वो कटु वचन किसे किसे कहे बराबर होंगे, उस पैगंबर के अपमान के बराबर ही होंगे, है ना। तो क्या कहा जा रहा है कि जैसा मारना पैगंबर तैसा तीन के दोस्त। आप किसके दोस्त हो, वो ब्रह्म मुनि किसके दोस्त थे, राज्य के दोस्त है ना, और अगर वो औरंगजेब के दरबार में गए और उन पे सितम ढाया गया, तो वो कष्ट किसके ऊपर आया, सबसे पहले वो राज्य को कष्ट देने के बराबर हुआ। तो अब क्या कह रहे हैं, जाहिर होसी जहान में इनो ऊपर अफसोस। जब ये बात जहान में, मतलब इस संसार में पता चल जाएगी सबको, तब क्या होगा, इनको अफसोस, इन पे लानत लगेगी, इन पर धिक्कार करेंगे लोग कि जब जिस अल्लाह ताला को ये बंदगी करते हैं, जिस अल्लाह ताला के नाम पर इन्होंने इस ब्रह्मांड में इतना आतंकवाद फैलाया हुआ है, जिस अल्लाह ताला के नाम पे ये कहते हैं कि जिस अल्लाह को जो कोई नहीं मानता है उसको क्या कहा जाता है, काफिर कहा जाता है, और वो समझते हैं कि हिंदू क्या है, काफिर है, क्योंकि वो अल्लाह ताला को नहीं मानते हैं, और इसीलिए क्या करते हैं मुसलमान, जो कट्टर मुसलमान होते हैं वो बूढ़ों को, बच्चों को, स्त्रियों को, सबको क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि उनको बोलते हैं कि आप धर्म परिवर्तन करो नहीं तो हम आपकी हत्या कर देंगे। उस समय औरंगजेब के समय ऐसा जुल्म ढाया जा रहा था, और अभी वर्तमान समय में भी तो आतंकवाद इसी नाम पर फैला हुआ है, और उनको लगता है कि ऐसे निर्दोष मनुष्यों को इस प्रकार से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाकर उनको क्या मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगी, अल्लाह ताला का सानिध्य मिल जाएगा, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अज्ञानता के दज्जाल के वश में है। और इसमें अगर हम थोड़ा गहराई से सोचे सुंदर साथ जी, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी त्रुटि है कि हम वाणी के संदेश को जितनी तीव्रता से और जितनी सच्चाई के साथ ब्रह्मांड में फैलाने के लिए जिम्मेदार थे, वो उत्तरदायित्व हमने सही से नहीं निभाया है। अगर तो हम ऐसा कर लेते तो आज आतंकवाद या जितने भी कुरीतियाँ हिंदू समाज में भी तो बहुत सारी कुरीतियाँ है कि अन्य कितने देवी देवताओं की पूजा कर रहा है हिंदू भी, आग पानी पत्थर की जड़ की पूजा में लगा हुआ है, अनेक प्रकार के नवग्रहों की पूजा में लगा है, पता नहीं कितने कितने विकृतियाँ हिंदू समाज में भी आ रही है, जिसके कारण
धार्मिक पतन हो रहा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी को भी धर्म की वास्तविक पहचान नहीं है। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, आखरुल जमा इमाम मोहम्मद मेहदी साहब की, उस एक अल्लाह ताला की, उस पूर्ण ब्रह्म की किसी को वास्तविक पहचान नहीं है। वो पहचान धनी ने हमें दी थी, लेकिन हम भी अपने उत्तरदायित्व को निभाने में कहीं ना कहीं असफल रहे हैं। तो ये पाती हमारे लिए भी है। और क्या बोल रहे हैं राज जी, सबों की लानत इनों पर लिखी अल्लाह का मलाम। और ये पहले से ही कुरान में लिखा हुआ था कि जब अल्लाह ताला के इमाम मेहदी के आदमी मुसलमानों के पास जाएंगे उनको अल्लाह ताला का पैगाम देने के लिए, तो उन पर कष्ट ढाया जाएगा और वो उनकी बातों से मुनकरी कर जाएंगे, उस पर ईमान लेकर नहीं आएंगे। और आप सबने कल सुना प्रसंग में कि जब गए वहाँ पर लालदास जी और 12 उनके साथ जितने भी मोमिन थे, सबने शेख इस्लाम के साथ धर्म से चर्चा की, वार्तालाप किया, और उन्होंने स्वीकार भी किया कि हाँ, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ कि वो इमाम मोहम्मद मेहदी साहब आ गए हैं, लेकिन मैं इस समय उसको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। जब समय आएगा वो पूरे ब्रह्मांड में जाहिर हो जाएंगे, तब मैं उनके चरणों में ज़रूर आ जाऊँगा। और वो औरंगजेब तक इस संदेश को नहीं पहुँचने दे रहे हैं। तो इसी के लिए सुंदर सार जी कहा जा रहा है कि मुम्मत से मुनकर हुए। ये तो मुसलमान ऐसे हैं कि जिसकी आराधना कर रहे हैं उसी की पहचान को लेकर आने वालों को दुख दे रहे हैं, और मानते हुए भी अनसुना कर रहे हैं, जानते हुए भी अनसुना कर रहे हैं। इनो छोड़ा दीन इस्लाम, और उन्होंने सत्य धर्म की राह को छोड़ दिया है। और सुंदर साद जी, जब दिल्ली में सुंदर साद को इस तरह से प्रताड़ित किया गया, उस समय औरंगजेब बादशाह उनके पास मक्का से वसीयतनामे आए कि उस समय कुरान में लिखा गया है कि जब इमाम मेहदी आएंगे तो क्या कुछ घटित होना है। उसी संकेत के चलते हुए, जैसे इससे पहले हमने प्रसंग सुना हरिद्वार का कि जब विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होगा तब धूम्र केतु का तारा निकलेगा, एक मास का क्षय होगा, वो सारे निशान उस समय जाहिर हुए थे। उसी प्रकार से कुरान में भी लिखा गया है कि जब इमाम मेहदी जाहिर होंगे तब क्या कुछ होना है। तो उसमें उस समय क्या हुआ कि मक्का जो है, जो उनका सबसे पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है, वहाँ की मस्जिद के जो मीनार हैं वो दो गिर गए, और वहाँ से वसीयतनामे आए औरंगजेब के पास, अरब से वसीयतनामे आए हिंदुस्तान में औरंगजेब के पास कि जो कुछ भी कुरान में लिखा गया था कि अल्लाह ताला के ज़ाहिर होने पर, इमाम मेहदी के ज़ाहिर होने पर मीनारे गिर जाएंगी, तो आज वो वास्तव में गिर गया है। और जबराइल जो जोश का फरिश्ता है वो यहाँ से शफकत और बरकत कहाँ लेकर चला गया है, नूरी झंडा इमाम मेहदी के पास हिंदुस्तान में लेकर चला गया है। शफकत यानी कि फ़कीरों और कुरानों की शफकत और बरकत, राज्य की कृपा, वो सब कुछ लेकर कहाँ चले गए हैं, अब हिंदुस्तान में चली गई है इमाम मेहदी के पास में। मुसलमानों की अब वृद्धि भी रुक जाएगी और उन पर अब कृपा दृष्टि जो बनी हुई थी खुदा ताला की वो भी नहीं रहेगी, और कुरान के जो भेद, वास्तव में जो कुरान उनके लिए आया वो भी, उसके मायने भी किसके पास पहुँच जाएंगे, हिंदुस्तान में उन ब्रह्मात्माओं के, उन मोमिनों के पास जो इमाम मेहदी साहब पर विश्वास लेकर आएंगे। तो इस प्रकार के पत्र भी आ गए। अगर हम सोचें कि हिंदुओं के तन में रहने वाले मुसलमानों, हिंदू के तन में जो मोमिन थे उनकी बात को श्री जी ने नहीं स्वीकार किया, तो हम ये भी तो सोचें कि जब उन्हीं के मुसलमानों ने संदेश पहुंचाया कि इस तरह के जो निशान क़यामत के समय प्रकट होने वाले थे वो प्रकट हो गए और वसीयतनामे लिख के भेज दिए, फिर भी औरंगजेब उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और उसने उसको पूरी तरह से उसकी अवहेलना कर दी। क्यों ऐसा किया, उसका भी कारण जो है वो पत्री में आकर श्री जी बताएंगे आगे कि क्यों उन्होंने इस बात को स्वीकार भी नहीं किया। और अब क्या हुआ, उस समय अब सोचो 12 मोमिनों ने अपनी तरफ से कुछ भी कमी नहीं रखी,
राज्य पर पूरा विश्वास लेकर, ईमान लेकर वो औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देने के लिए चले गए। मौत को स्वीकार करके सिर पे कफन बांध के गए। उन्होंने अपने जान तक की परवाह नहीं की। अगर हिंदू के तन में आए हुए किसी के मुख से अगर अल्लाह ताला का नाम भी सुन लेते, या उनको अगर किसी भी तरह से पता चल जाए कि ये हिंदू जो है वो धर्म, मुसलमान धर्म स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है, तो उनको भी क्या कर देते थे, वो कत्ल कर देते थे। या नमाज़ पढ़ते समय अगर कोई हिंदू सामने आ जाता था, उसको कत्लेआम कर देते थे। उस समय 12 मोमिन गए और उनको पता था कि या तो हम जिंदा लौटेंगे या मर के लौटेंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर जिंदा है तो श्री जी के चरणों में प्रणाम करेंगे, अगर मर गए तो हमारा अखंड दंडवत प्रणाम तो है ही, हम अपने असल तन में जागृत हो जाएंगे। तो ऐसे दृढ़ ईमान के साथ सुंदर साथ गए हैं। वहाँ पे मार भी सहन करते हैं और इतने जोश से बात करते हैं औरंगजेब के सामने जाकर भी, डरते नहीं हैं। उनको क्या लग रहा है कि ये औरंगजेब तो हमारे परमधाम की ब्रह्मात्मा है जिसके साथ हम गलबहिया डाल के बैठे हुए। उनको उनसे डर नहीं लग रहा है, उनको खुशी है इस बात की कि हम अपने परमधाम का कॉल वचन निभा रहे हैं और ये जो बादशाह बन के हमारी एक ब्रह्मात्मा बैठी हुई है उसको हम अपने परमधाम में लेकर जाएंगे, उसकी आत्मा को जागृत कर लेंगे। उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है, जोश से बात कर रहे हैं, जोशपूर्वक शक्तिपूर्वक बात कर रहे हैं। उसके बाद जब सिद्धि फौलाद के घर पे उनको भेजा गया, वहाँ पे उनको मारा गया, पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, फिर भी उन्होंने अपनी विनम्रता को नहीं छोड़ा। उसके बाद शेख इस्लाम उनको अपने घर ले गए और जो कुछ भी प्रसंग हुआ वो हमने सुना सुंदर साथ जी। और ऐसी कुर्बानी करने के बाद जो भी परिणाम मिलना चाहिए था, इच्छित परिणाम, उनको लगा था कि औरंगजेब श्री जी के चरणों में आ जाता तो उस समय मुसलमानों और हिंदू के बीच में जो कोई भी संघर्ष चल रहा था वो शांत हो जाता। अभी हम सोचे कि अगर उस समय औरंगजेब जो ब्रह्मात्मा थी उसने श्री जी के संदेश को स्वीकार कर लिया होता तो आज क्या स्थिति होती, हिंदू और मुसलमान एक हो चुके होते और हम पूरे ब्रह्मांड में अपने श्री जी का, अपने राज्य का, हमने अपने प्राणनाथ जी का संदेश फैला चुके होते, मुसलमान और हिंदू का झगड़ा ही खत्म हो जाता। लेकिन क्योंकि औरंगजेब ने उस समय अपनी बादशाहत को, अपने जाहिरी पद को, प्रतिष्ठा को आगे किया, श्री जी के संदेश को अस्वीकार कर दिया, उसके कारण आज भी ये लड़ाई हम रोक नहीं पाए हैं। तो सुंदर साथ जी, अब क्या होता है कि उन सुंदर साथ को दिलासा देने के लिए श्री जी क्या कह रहे हैं, ये पत्र लिख रहे हैं। तब पाती लिखी हादिय ने करने खातिर जमा मोमिन, उन सुंदर साथ को सांत्वना देने के लिए श्री जी ने पत्र लिखा, हमारे राज जी ने पत्र लिखा। सिखापन सब विद की, हर प्रकार की सिखापन उसमें दी, सुनियो दिल रोशन, जिसको आप सारे सच्चे हृदय से और निष्पक्ष हृदय से सुनिए। ए पाती दिल्ली मीने थे कैद में हम, और सुंदर साथ क्या कह रहे हैं कि लालदास जी कहते हैं, क्योंकि ये लिख तो लालदास जी रह रहे, तो बोले जब हम कैद में थे औरंगजेब के, तब कांजी भाई इस पत्र को, शेख बदल और कांजी भाई इस पत्र को लेकर श्री जी के पास से कामा पहाड़ी से दिल्ली में आए और हमें ये पत्र दिया। आप सोचे सुंदर साथ जी, जब इतने समय से, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था, अब वो बच्चा अगर माँ को ना मिल पाए और माँ को पता चले कि ऐसी पीड़ा हो रही है, तो वो बच्चा अपनी माँ को कहने के लिए कितना तत्पर होगा और वो माँ अपने बच्चे को मिलने के लिए कैसी तत्पर होगी। तो वही बता रहे हैं कि अब सुंदर साथ जब इतने कष्ट में थे, इतना कुछ सहन कर चुके हैं, तब उस दौर में श्री जी का जब ये प्रेम भरा पत्र गया होगा तो वो सुंदर साथ के दिल को कैसी सांत्वना मिली होगी और श्री जी भी कैसे अपना प्रेम समेट के उसमें दिख रहे हैं कि लड़ाई के बखत में उल्टी भई फतेह। वो समय कैसा था कि जब लड़ाई करने में उन्होंने कुछ बाकी नहीं रखा था, धर्म युद्ध के नाम पर उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए सुंदर साथ ने कुछ भी पीछे नहीं रखा था, अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी और उल्टी भई फतेह। उस समय क्या हुआ, फतेह मतलब जीत, और उल्टी क्यों कहा गया है सुंदर साथ जी, कि जो परिणाम मिलना चाहिए था कि औरंगजेब की आत्मा जागृत हो जाती, वो श्री जी के चरणों में आ जाती, वो नहीं हो पाया। और क्या हुआ, तब दिलासा संयन को उस समय सांत्वना देते हुए श्री जी क्या लिख रहे हैं, पाती लिखी है, यह पत्र लिखा गया। और आज हमारा सौभाग्य है कि क्योंकि लालदास जी के माध्यम से वो लिखा हुआ है और हम उनको उसको सुन पा रहे हैं। क्या लिखते हैं श्री जी, मेरे प्राण के प्रीतम, किसको लिखा जा रहा है ये पत्र, क्या संबोधित कर रहे हैं श्री जी, कि मेरे प्राण के प्रीतम,
जो मेरे हैं इस ब्रह्मांड में और मेरे प्राणों के प्रीतम है, जो मुझसे प्राण से भी, मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय है। क्यों प्राणों से प्रिय है हम सुंदर साजी? सिर्फ वो मोमिन उनके लिए प्रिय नहीं है, हम भी उनके लिए उतने ही प्रिय है राजी। ये तो इस दुनिया का प्रेम है कि अगर मेरी इच्छा से तुम चलोगे तो मेरे हो, अगर मेरी इच्छा से तुम ना चले तो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये तो इस दुनिया का मोह और स्वार्थमयी प्रेम है। जब अक्षरातीत प्रियतम जिसका आशिक है, और वो भी आशिक कैसे कि जैसे हमने अभी किरंतन सुना, कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, तो ये ऐसे मोमिन है कि जो इस ब्रह्मांड में, इस शरीर में रहते हुए भी राज्य की पहचान करके उस राज्य के लिए कुर्बान होने में कुछ भी बाकी नहीं रखे हैं। तो अब उसके लिए क्या बोल रहे हैं राजी कि मेरे प्राण के प्रीतम, कि आप सुंदर साथ क्या हो, मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, साथ मेरे सिरदार, और आप तो मेरे कैसे सिरदार शिरोमणि सुंदर साथ हो कि जो सब सुंदर साथ में शिरोमणि हो। क्यों शिरोमणि हो? क्योंकि आपने वो करके दिखाया है, वो कुर्बानी की है और मेरी वो पहचान की है जो आज दिन तक इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं कर पाया है। और उसी कुर्बानी के चलते सुंदर साजी, वो आसान नहीं है, हम पढ़ जाते हैं हर साल, बोल जाते हैं, लेकिन हम सोचे तो कि अगर हमें बोला जाए अभी कि कहीं पे आतंकवाद फैला हुआ है और वहाँ जाके हमें वाणी का परचम फैलाना है, छोड़ दो मुसलमानों की भी नहीं, हिंदुओं में हमें अपनी बात रखनी है, तो हम कहाँ जाके बात रखते? वो भी छोड़ दो, अगर हमें कहा जाए कि गादी पर बैठे हुए जो हमारे धर्म के विद्वान है, अग्रगणी है, और जो वाणी विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, कि जो मूर्ति बना के अभिषेक कर रहे हैं, जो सोने के कलश बना रहे हैं, सोने के सिंहासन चढ़ा रहे हैं, जिसका श्री जी ने विरोध किया था, और यदि कदाचित हमें कहा जाए कि हमें उनको सत्य बात बतानी है, फिर भी हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं, ना तो हम उनको समझाने के लिए भी सक्षम हैं। सुंदर साथ जी, जब हम हमारे ही संप्रदाय के लोग जो सही राह पर नहीं है, वाणी विरुद्ध वर्तन कर रहे हैं, राज्य के आदेश को सिरोधार्य नहीं कर रहे हैं, जब उनको भी समझाने में हमें डर लगता है, तो हम सोचे कि अगर हमें भेजा जाता उस समय औरंगजेब के पास तो हम क्या करते? हम बहुत ही आसानी से कह देते हैं कि गोवर्धन भाई का तो ईमान नहीं था, वो तो क्या कर गए, मुनकरी करना चाह रहे थे, और तभी उन्होंने बोल दिया था कि लालदास जी ये बात श्री जी तक मत पहुंचाना। लेकिन हम सोचे कि हम क्या है, गोवर्धन भाई तो अपना सब कुछ छोड़ के निकल चुके थे, अब्बासी बंदर से अपनी धन संपत्ति सारा कुछ छोड़ के श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए थे, कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए। और अगर हमें तो इस शिविर में हमारी स्वयं की आत्मकल्याण के लिए भी अगर आने के लिए कहा जाए तो भी हम नहीं कर पाते हैं, दूसरों की तो दूर की बात है, हम अपनी आत्मा की जागृति के लिए भी करने के लिए तैयार नहीं है, ना चर्चा सुनने के लिए तैयार है, और हम दावा किसका ले रहे हैं सुंदर साक्षी, किसका दावा लेकर बैठे हुए हैं हम, है ना? और हम कहते हैं कि हमने अभी तक बहुत सुन रखी है, अगर हमने अभी तक सुन ली होती तो जो ये विचारिए एक वचन तो अलगा थइए पासे थी केम, दीजे प्रदक्षिणा रात ने दिन, कीजे फेरो सुफल धन धन। अगर हमने इसमें से एक शब्द को भी अगर आचरण में ला दिया होता तो आज हमारी ये स्थिति ना होती। कितने सुंदर साथ है सरसावा में या सहारनपुर में, यहाँ पास ही के स्थान पर, और यहाँ पर पंडाल में कितने बैठे हुए हैं, हम घर बैठ के सुन लेंगे। हम सोचे सुंदर साथ जी कि धाम मेलो सदीवे दुर्लभ मेलो संसार, अगर हमारे घर में किसी की शादी हो, चाहे कितनी भी दूर हो, चाहे हमारे, अगर सोच लेना कि मायके में हो शादी और पति हमें जाने के लिए अनुमति ना दे रहा हो, तो हम झगड़ा करके भी पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंच जाएंगे? चाहे कितना भी दूर हो पहुंच जाएंगे ना। और अपनी आत्मा की कल्याण के लिए जब शिविर कौन लगाता है, किसको दर्द है हमारी आत्मा को जागृत करने के? लो वो प्रियतम जो हमें कहता है कि हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम,
जो हमें लेने के लिए आता है, आया है, वही तो बहाने बना बना के कभी शिविर लगाता है, कभी कुछ कभी कुछ। और हम क्या कर रहे हैं सुंदर साची, हम उसकी पुकार को भी अनसुना कर रहे हैं। औरंगजेब की जैसी ही तो स्थिति है हमारी भी, कमी तो नहीं है। चलो वो तो बादशाह था और अपना मोह नहीं छोड़ पाया, हम तो अपने छोटे से परिवार को भी नहीं छोड़ पाते हैं, तो वो तो सल्तनत को ना छोड़ पाया। और उस समय वाणी अवतरित नहीं हुई थी, हमारे पास तो तारतम ज्ञान का बेशक इलम आ पाया है। और अभी भी हम अगर स्वयं की आत्म जागृति के लिए भी जहाँ पर भी कोई प्रोग्राम हो, कार्यक्रम हो रहा हो, उसमें ना जा पाए, चर्चा ना सुन पाए, और वो भी अगर हमें लेने के लिए तो साधन आते हैं कि आप आ जाओ सुंदर सा जी, हम यहाँ से आपको लेने के लिए आएंगे, और फिर भी हमें सुनने के लिए समय नहीं है, हम लाख बहाने बनाते हैं। और हमारे प्रियतम फिर भी अपना प्रेम निभाते हुए क्या करते हैं, मुंह पकड़ तालु रूह के देत कायम सुख संकुल, वो हमें जबरदस्ती वो प्रेम पिलाते हैं। राज्य को पता था ऐसा समय आएगा कि सुंदर साथ यहाँ तक आ भी नहीं पाएंगे, इतने व्यस्त हो जाएंगे, तो उन्होंने YouTube के माध्यम से भी या ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से, Zoom मीटिंग के माध्यम से इतना सुलभ कर दिया। और फिर भी अब हम क्या कर रहे हैं, पढ़ पढ़ के इतने पंडित बन गए हैं सुंदर साथ कि उसको जीवन में उतारना ही भूल गए हैं। राज्य की बातों में इतना आनंद आ रहा है कि राज्य से बात करने का समय भी हमें नहीं मिल रहा है। तो सुंदर साथ जो उस समय ऐसी कुर्बानी किए हुए हैं, उनके लिए श्री जी क्या बोलते हैं कि मेरे प्रेम भिनेश्री साथ जी, कि आप तो मेरे कैसे सुंदर साथ हो कि मेरे प्रेम से भीगे हुए हो, हर पल मेरे प्रेम में डूबे रहने वाले सुंदर साथ हो, मेरे साँचे सुरधीर, और आप मेरे क्या हो, वास्तविक सच्चे सुरधीर हो। वो सुरधीर मतलब आप में वीरता भी है कि आपने वीरता दिखाने में भी कुछ, अपना शौर्य दिखाने में भी पीछे हट नहीं करी है, और आप में धैर्य भी है कि जो परिणाम मिलना चाहिए था औरंगजेब ने आपसे प्रत्यक्ष रूप से बात करने के लिए अस्वीकार कर दिया, सिद्धि फौलाद के हवाले किया, उसने आपको कष्ट दिए, और अब भी आप धर्म चर्चा कर रहे हो और फिर भी उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया है, और फिर भी आप धैर्यपूर्वक बैठे हुए हो, आपने अपना कर्म किया है, फल क्या हुआ है उसका आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, और इसी के कारण आप क्या हो, मेरे सच्चे सुरधीर हो। आपका धैर्य जो है उसी के कारण आप क्या हो, पाँव भर दिखावत रूह को, आपने ये जो धैर्यपूर्वक पाँव भर के दिखाए हैं सुंदर साथ को, चल के दिखाया है, जो रहनी में आत्मसात करके दिखाया है, उसके क्या रंग क्या, तुम बैठे हो हक के तीर, आप तो राज्य के पास मूल मिलावे में उनके चरणों में बैठे हो, एक पल के लिए भी दूर नहीं हो, और आपका ये तन जो है वो भी दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म, ये वाला तन भी आपका हर पल उसके चरणों में है, और आपने जो कर दिखाया है, आपने जो सुरधीर बना किया है, उसके लिए तो इंद्रावती की वासना मैं लिखी प्रणाम कोटान कोट, आपने जो कर दिखाया है इसलिए मैं इंद्रावती की आत्मा आपको कोटान कोट करोड़ों बार प्रणाम करती हूँ। कौन प्रणाम कर रहा है सुंदर साथ जी, वो इंद्रावती की आत्मा जिनको महामति की शोभा मिली, जिनको इस ब्रह्मांड में अक्षरातीत कहलाने की शोभा मिली है, जिनको क्या मिला है, किसका खिताब दिया हुआ है, राज्य ने सारी शोभा दी है, और जो पूरे ब्रह्मांड को अखंड करने की शोभा प्राप्त करेंगे, जिसको पहली बहिस्त में जिसके जीव को क्या करके अक्षरातीत मानकर हमेशा के लिए पूजा जाएगा, वो इंद्रावती की आत्मा किसके चरणों में प्रणाम कर रही है, किसके चरणों में नतमस्तक हो रही है, उन ब्रह्म मुनियों के चरणों में जिन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया है राज्य के पैगाम को पहुंचाने के लिए। और उस इंद्रावती की आत्मा का जो स्थान है जहाँ पे वो अभी भी विराजमान है, वहाँ जाकर हम उनको कौन सी चीज़ों से खुश करना चाहते हैं सुंदर साथ जी, कौन सी चीज़ों से खुश करना चाहते हैं हम श्री जी को, वस्त्राभूषणों से, वाघों से, सोने के गहनों से, या सोने के कलश चढ़ाकर, या सिंहासन बनाकर,
पूरी पृथ्वी भी अगर हम सोने से बना देंगे फिर भी उस अक्षरातीत को खुश नहीं कर पाएंगे। और उसकी खुशी कैसी है, किसके चरणों में वो नतमस्तक हो रही है? उन ब्रह्म मुनियों के चरणों में जिन्होंने उनका संदेश पहुंचाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रखा है। तो हम भी सोचे कि अगर उस राज्य को खुश करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अभी तक में आपने सुना ना सुंदर सा जी, पिया किए अति प्रसन्न तीन बेर दिए दर्शन। देवचंद्र जी ने तीन बार दर्शन पा लिए थे जबकि उनको पता ही नहीं था कि मैं कौन कहाँ से आई या कहाँ है मेरा भरदार, फिर भी राज्य को अपने सामने खड़ा कर लिया उन्होंने। किस दम पर? अपनी निष्ठा के दम पर, अपने प्रेम के दम पर। और हम सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी किस हम कभी भी उनको खुश नहीं कर पाएंगे बाहर की चीज़ों से। हमें तो दुनिया वालों को समझाना चाहिए था और हम तो उल्टी राह चल पड़े हैं। तो सुंदर सा जी, हम सोचे कि हमने सच में अभी तक सुन रखी है, हाँ सिर्फ सुन ही रखी है, लेकिन सुनने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक राजा था जो कारोबार से तंग आ चुका था, उसने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। वो जब कहीं से घोड़े पे सवार होकर गुजर रहा था तो उसने एक मंदिर में कोई चर्चा सुनी और उसके बोल उसके कानों में पड़े कि ये जो संसार है वो मिथ्या है और वो परब्रह्म परमात्मा ही सत्य है, और उसको अगर पाना है तो एक ही मार्ग है कि वो दिल में बैठा है और उसको ध्यान के द्वारा पाया जा सकता है, प्रेममयी ध्यान से। उसने ये सुन लिया तो उसने सोचा वैसे भी मरना तो है ही, तो क्यों इस प्रकार से मरूं। तो उसने क्या किया, समाधि में बैठ गया। इतनी निष्ठा से समाधि लगाई कि उसको सत्य ज्ञान का पता चल गया। और वापिस आकर वो इतना प्रसन्न हो रहा है, जब वापिस से वो उसी राह से आ रहा था तो उसने फिर से वही चर्चा सुनी उसी मंदिर में। अब उसको लगा कि जाते समय मैंने कुछ चर्चा के बोल सुने और मुझे पता चल गया कि ध्यान ही वास्तविकता, और मैं उसमें बैठ गया और मुझे सत्य ज्ञान का पता चल गया कि ये माया और ये शरीर संसार मिथ्या है, प्रपंच है, जो दिखाई देता है वो है नहीं और जो है वो दिखाई नहीं देता, और जो सत्य परमात्मा है उसको मैंने प्राप्त कर लिया ध्यान के माध्यम से। और ये लोग तब भी ये चर्चा सुन रहे थे और आज इतने सालों के बाद में आए हो अब भी ये चर्चा सुन रहे हैं। तो उसने जानना चाहा कि ये मूर्तियाँ तो बैठने ही बैठी हैं। उसने ऐसे करके हर एक बंदे को देखा और बोल रहा, ये मनुष्य ही है लेकिन मनुष्य में भी मूर्ति के समान है जिन्होंने कोई भी पहचान नहीं की, और हम भी उन्हीं मूर्तियों के समान है। सुंदर साथ जी, कि हम वाणी चर्चा सुनते आ रहे हैं, अभी तक भी सुनते आ रहे हैं, समझते भी आ रहे हैं, दूसरों को सुनाते भी आ रहे हैं, लेकिन जैसे वो मूर्ति आत्मसात नहीं कर पाई वैसे भी हम भी आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक हमारी रहनी में नहीं आएगा, सुंदर साथ जी जरा हम सोचे इस प्रसंग से कि वो 12 मोमिन ऐसे शरीयत का जब कट्टर समय चल रहा था, उस समय शेख इस्लाम, उन्होंने तो पत्र लेने से भी, औरंगजेब तक संदेश देने से इनकार कर दिया था, इमाम मेहंदी के संदेश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, और फिर भी उनकी आंखों में भी आंसू आ गए हैं जब उन्होंने सुना कि मोमिनों को इस तरह से प्रताड़ित किया। अगर मोमिनों ने बोला कि आपके धर्म में क्या यही सिखाया जाता है आपके मजहब में कि जो मोहम्मद साहब पर ईमान लेकर आए उनको आप ऐसे दंडित करो, वैसे तो आप जबरन सबका धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, और जब हम ईमान लेकर आए, हम बोलते हैं कि हम आपको मोहम्मद साहब की उस इमाम मेहंदी का संदेश लेकर आप तक आए हैं और आप हमें ही प्रताड़ित कर रहे हो, हमें ही कष्ट दे रहे हो, तो ऐसा क्या आपके मोहम्मद साहब ने कुरान में कहा है आपको? ना हमने किसी का धन लिया, ना ही चोरी की, और ना ही किसी का अहित किया, फिर हमें क्यों कष्ट दिया गया? हम तो आप ही के इमाम मेहंदी का संदेश लेकर आए हैं, आप जो मोहम्मद साहब को मानते हैं उन्हीं का संदेश लेकर आपके पास आए हैं, फिर क्यों हम पे ऐसा कसाला ढाया गया, ऐसा कष्ट दिया गया? इनकी बात सुनकर, उनकी दशा को देखकर, उनके पीठ पे सारे शरीर पे कोड़ों के निशान देखकर वो काजी भी रो दिया। और चाहे उसने औरंगजेब तक संदेश पहुंचाया या नहीं, लेकिन सुंदर साथ जी सोचो, उन्हीं के धर्म ग्रंथों से उन्हीं के घर में जाकर उन्हीं को सुंदर साथ समझा के आ गए और उनको स्वीकार करना पड़ा कि हाँ आपने जो संदेश दिया है वो सत्य है, लेकिन अभी मैं उसको उजागर नहीं होने दे सकता।
और आज हम सोचे कि हम तो अपने अंदर जाकर अपनी आत्मा को भी जागृत नहीं कर पा रहे, हमारे इस मन को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो सिर्फ सुनने मात्र से कुछ नहीं हो जाएगा, हमें चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन से ही विवेक आएगा कि कहाँ हमारी कमी रह रही है, क्यों हमें श्री जी की पहचान नहीं हो पा रही है, क्यों हम राज्य की राह पर नहीं चल पा रहे। और ये पाती हमें मदद करेगी उसको समझने में। तो इंद्रावती जी की आत्मा क्या कह रही है, वो किस पे कुर्बान है, उन ब्रह्म आत्माओं पे जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया है, और उसके चरणों पर इंद्रावती की आत्मा कुर्बान हो रही है। और अगर हम भी जागने की यात्रा में साथ चलते हैं श्री जी के या हमारे सद्गुरु महाराज के इस संदेश को लेकर, तो हमारे भी श्री राज जी ने क्या बोला हुआ है कि जब मेरी सुधत्यो ओरों को तित चले तुम्हारा हुक्म, मैं आपकी इच्छा के अधीन हो जाऊंगा। जिस महर के लिए हम इतने सारे पाठ करते फिरते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते फिरते हैं, जिसको खुश करने के लिए, वो बोलते कि मैं आपके अधीन हो जाऊंगा, मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलूंगा। कब? जब आप मेरी सुधि औरों तक पहुंचाएंगे। और हम क्या कर रहे हैं, कदाचित सुंदर साथ जी, पहले तो हम आत्मा मंथन नहीं करते, ज्ञान का मंथन नहीं करते। अगर हम कर भी लेते हैं और हमें अगर बिठाया भी जाता है चर्चा करने के लिए, तो हम किसकी चर्चा करते हैं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, है ना, कहीं ना कहीं हमारा अहंकार ही आ जाता है बीच में। हमने कभी ये सोचा कि हम भी तो फरामोशी में परमधाम में बैठे हुए हैं, अगर हमें जो कुछ भी पता चल रहा है राज्य की मेहर से थोड़ा बहुत भी, तो वो उसी सागर में से ही तो आ रहा है। जब वो धनी अहंकार नहीं कर रहे हैं, तो हम किसका अहंकार लेकर खड़े हैं। अगर हम अपने पति के लिए कुछ करते हैं तो हम उनको जताते हैं क्या, या पति पत्नी के लिए कुछ करता है तो जताता है? अगर जताने ले जाएंगे तो वो सन्मान टिक नहीं पाएगा। तो अगर हम राज्य का संदेश इस ब्रह्मांड में अन्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है, हमारे प्रियतम का संदेश ही तो पहुंचा रहे हैं, और हमारी परमात्मा हो, क्योंकि हमने ही तो परमधाम में, याद करो सुंदर साहब जी, क्या क्या वायदा किया था, धनी सौ बेर देखो अजमाए के तो भी ना भूले हम, और एक दूसरे को भी तो वायदा किया था, तू भूलेगी तो मैं जगाऊंगी, मैं भूलू तो तू जगाना, तो उसी कॉल को तो निभा रहे हैं, और उसमें राज्य हमें मदद कर रहे हैं। तो इसमें हमारा अहंकार कभी भी नहीं आना चाहिए। धनी हमें, जैसे जैसे हमें वास्तविक ज्ञान का पता चलता जाएगा, वैसे वैसे हम में क्या आता जाएगा, विनम्रता आती जाएगी। ये मोमिन थे जिनको श्री जी के स्वरूप की सच्ची पहचान थी, जो मार खा रहे हैं, जिनको पता है कि इन मुसलमानों को कुछ भी नहीं पता, और फिर भी विनम्रता लिए हुए हैं, प्रेम लिए हुए अपने हृदय में, इतने महीनों तक मार खा के वापस नहीं आ गए हैं, वहाँ पर डटे हुए हैं, और पैगाम तब तक चर्चा करते रहे उनके साथ जब तक उन्होंने स्वीकार नहीं कर लिया, छोड़ा नहीं उन्होंने। और ऐसे जो सुंदर साथ है, उन सारे सुंदर साथ को क्या बोल रहे हैं श्री जी कि आपोपा निशंक डारिया, आपने तो अपना निसंकोच होकर सर्वस्व समर्पित कर दिया है, मेरे साथ सब शोभा जो, आप शोभा के देने योग्य हो, एक दूजे से सिरोमन, और कुर्बानी के नाम पे आप एक दूजे से आगे हो, और मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं किसको कम कहूँ, किसको ज़्यादा कहूँ, या किसको सराहूँ, आगे कदम धरे इन वो, आपने इस प्रकार से इस जागने के संदेश को फैलाने में कदम धरे हैं आगे। और क्या बोल रहे हैं, सारे सुंदर साथ का नाम लिख रहे हैं श्री जी, उनको पता था कौन कौन है, लेकिन फिर भी एक एक का नाम उनके हृदय से निकल रहा है कि सास समस्त भाई लखमन, मतलब लालदास जी, भीम भाई, नागजी भाई, चिंतामन, दयाराम, चंचल, गंगा, बनारसी, सब के नाम बोल बोल कर श्री जी कह रहे हैं। और सिर्फ वहाँ गए थे उन मोमिन के नहीं, जो प्रत्यक्ष रूप से भी वहाँ पर थे उनके साथ में, उनको भी बोल रहे हैं, और भाई अनंत राम, तुम साँचे सुरधीर, आप सच सब सच्चे सुरधीर हो और मेरे सच्चे साथी हो। और क्या बोल रहे हैं कि बड़ा जुद किया दज्जाले, तैसा लिखा रसूले वास्ते तुम, और रसूल साहब ने कुरान में ये पहले ही लिख दिया था कि जब आप सुंदर साथ संदेश लेकर जाएंगे मोमिन, तो इस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाएगा। उसके लिए वाणी में चौपाई भी लिखी गई है सुंदर साथ जी, कि मैं करूँ खुशामद उनकी,
मैं डरता हूँ उनसे। मैं किनसे डरता हूँ? जो कहा वे मेरे उम्रा, जो कहलाते तो मेरे अनुयायी है और मेरे हुक्म में, और कहते हैं कि हम मोहम्मद साहब को मानते हैं और उनके हुक्म के अधीन है, लेकिन जब मेरा संदेश लेकर वो आएंगे ना, मैं क्यों डरता हूँ? कह रहे हैं मोहम्मद साहब, कह रहे कि मैं इनसे डरता हूँ। क्या कह रहे हैं? और कहा बीच हदीस के, मेरे पीछे होसी इमाम, कि मेरे बाद में जब इमाम मेहदी आएंगे तब क्या होगा? मैं डरता हूँ तीन से, गुम कर सी गिरो तमाम। मैं इन अगुओं से डरता हूँ कि जो क्या करेंगे, उस गिरोह के पैगाम को भी गुम कर देंगे, उसको जाहिर नहीं होने देंगे। और ऐसी ही हमारी भी स्थिति है। वाणी को जाहिर ना करके आज हम देखें, हमारे समाज में भागवत की चर्चा करी जा रही है सुंदर साची, और हम बहुत आराम से सुनते हैं। हम सोचे सुंदर साथ जी कि जिस वाणी के दम पर सुंदर साथ ने मुसलमानों को चुनौती दी, जिस वाणी के दम पर हरिद्वार में श्री जी ने सारे वेदों के दर्शनों के शास्त्रों के आचार्यों को झुका दिया, उन्होंने भी स्वीकार किया कि विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आप ही है, इन्होंने भी स्वीकार किया कि आप ही इमाम मोहम्मद मेहदी है, आगे भी जितनी जगह पे गए या जाएंगे सब ने स्वीकार किया है, और उसी वाणी को साइड करके अगर हम भागवत की चर्चा करेंगे तो किसकी आत्मा जागृत कर पाएंगे? और यही कारण है कि क्योंकि हमारा समाज विभाजित है, हम जब तक एक नहीं होंगे सुंदर साजी, ये समझने की बात है कि हमारा प्रियतम कैसा है? सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है। हमारा ज्ञान कैसा है? बेशक इल्म, जिसमें कोई भी संदेह नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा ज्ञान किसी के पास नहीं है। हमारे सिर पर कौन खड़े हैं? वो सर्वशक्तिमान प्रियतम खड़े हैं, और उसके बावजूद भी हम इसको फैला क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि राज्य के वाणी को फैलाने के लिए उनके तन कौन है? तुम सब रूहे मेरे तन हो। अगर मेरे दिल में कोई इच्छा होगी और मैंने सीख भी रखी है सारी कलाएं, लेकिन अगर मेरे हाथ काम ना करे तो, अगर मेरे पैर अपाहिज हो तो मैं कुछ भी कर पाऊंगी? वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन उसकी शक्ति इस ब्रह्मांड में कैसे फैलेगी जब उसके तन स्वरूप हम अंगनाएं ही आपस में विभाजित हुई हुई है? हमें एक होना पड़ेगा। आज हम देखें सुंदर साथ जी की ब्रह्मा कुमारी मत हो या और जितने भी मत पंथ चल रहे हैं, उनके पास इतना तो ज्ञान नहीं है। एक सिस्टर शिवानी को अगर हम देख ले तो ब्रह्मा कुमारी का कितना ज्ञान फैला रही है। अगर हम देखें कि ओशो एक ही तो थे, गौतम बुद्ध एक ही तो थे, महावीर स्वामी एक ही तो थे, दयानंद सरस्वती एक ही तो थे, और हम इतने सारे मिलकर भी अपने राज्य की वाणी को फैला नहीं पा रहे क्योंकि हम विभाजित हैं। हमें क्या होना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक होना पड़ेगा। सारी ताकत को जब हम एक करेंगे, हमारे धन का सदुपयोग करके वाणी को फैलाने में लगाएंगे। हमने वाणी को सिंहासन पे पधरा तो दिया, उसकी पूजा भी करते हैं, उसको सोने से हीरे मोतियों से खुश भी करना चाह रहे हैं, उसका दूध से राज्याभिषेक भी करना चाह रहे हैं, लेकिन उसका अभिषेक करके ही भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? इससे हम ना वाणी को फैला पाएंगे ना कुछ भी कर पाएंगे, और जब ज्ञान की बात आती है तो हम वाणी के विरुद्ध ही जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो जब हम ही उस वाणी का अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो और कैसे कोई कर सकता है? और इन सुंदर साथ की बातों को इसीलिए उन्होंने स्वीकार किया सबने, मुसलमानों ने, क्योंकि जो बोल रहे थे वो उनके आचरण में था। उन्होंने प्रेम और विनम्रता से, अटूट विश्वास और श्रद्धा से श्री जी के संदेश को पहुंचाया, सच्चे हृदय से। और अगर हम भी सच्चे हृदय से पहुंचाएंगे सुंदर साथ जी, तो हम अपनी आत्मा को भी जागृत कर पाएंगे और दूसरों की आत्मा को भी जागृत कर पाने में और दुनिया में अपने पैगाम को पहुंचाने में के कार्य में अपना सहयोग दे पाएंगे। तो अब क्या कहा जा रहा है सुंदर साथ जी कि तैसा ही ये युद्ध भया और भी होएगा, ईद जैसे रसूल साहब ने कहा था कुरान में, वैसा ही धर्म युद्ध हुआ है और आगे भी होता रहेगा।
लिखे माफक होएगा ये जानो मुकदमा क्या मत। और जैसा जैसा श्री जी ने लिखा हुआ है, वाणी में लिखा हुआ है राज जी ने, वैसा वैसा ही अवश्य होगा। इसको आप निश्चित होकर स्वीकार करिए। तुम सुरधीर पना किया सो तुम जिन जानो किया हम। और आपने ये जो बहुत बड़ा कार्य किया है, आप इस राह पर चलते हुए ये गुमान मत ले लेना कि हमने ये कर दिया, हमने उनको चुनौती दे दी, हम उनके राज्य में गए, हम उनके पास बैठ कर आए और उनसे शास्त्रार्थ करके जीत के भी आए। तो आप इस बात का कभी कि गुमान मत करना, अहंकार मत करना। देखो सुंदर सार जी, श्री जी एक तरफ तो उनको सांत्वना देते हुए कह रहे हैं कि आपने जो किया वो और किसी से नहीं हो सकता है, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि ये जो शोभा आपको दी गई है वो किसके हुक्म से मिली हुई है, राज जी के हुक्म से। आप कभी भी इसको अपने सिर पर मत लेना। और इसी को वाणी में भी कहा गया है कि जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दुनी को आशान, पहुंचावे वो चरण धनी के, तो भी लेना ना तीन गुमान। फिर भी आप उस बात का अहंकार मत करना, अगर सबको आप धनी के चरणों में लाने के लिए भी सक्षम हो जाओ। फिर भी एक काम बहुत बड़ा हुआ अजू भास्या ना तुम्हारे मन, ये कितना बड़ा कार्य हुआ है वो आपको नहीं पता है, लेकिन जब आप वहाँ से आओगे, जब पता चलेगा, जब कभी इस कार्य को सराहा जाएगा कि हिंदू मुसलमान जब एक ही दिन के नीचे आ जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा कार्य, कितनी बड़ी शोभा आपको मिली है। लेकिन उस समय भी आप इसका अहंकार मत करना, क्योंकि आपको ए हके शोभा दई तुमको, ए हुए न बिना हुक्म, राज्य के हुक्म के बगैर, उनके शक्ति के बगैर ये नहीं हो पाता। अगर हम सुंदर साथ ऐसा कहने लगे कि उनको तो राज्य का हुक्म था इसलिए उन्होंने कर लिया, और हमारे ऊपर राज्य का हुक्म नहीं है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, तो सुंदर साथ जी राज्य का हुक्म तो है। राज्य ने अभी, मैंने एक चौपाई में कहा कि राज्य ने क्या कह दिया है वाणी में, जो मेरी शुद्ध त्योहारों को तिथ चले हो तुम्हारा हुक्म। अगर मेरी शुद्ध आप देने के लिए चाहोगे सच्चे हृदय से, तो आपके हुक्म के मैं अधीन रहूंगा। और फिर भी अगर हम ये कहे कि, और दूसरी चौपाई में ये भी कहा जाता है कि ताते हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन, मोमिन कभी भी हुक्म के सिर दोष देकर नहीं बैठे रहेंगे। लेकिन हाँ, अपना कार्य करते बार बार, सुंदर साथ सोचो ना कितनी बार गए हैं औरंगजेब के दरबार में, कितना कितने कितने प्रयास किए, कभी रुका चिपका रहे हैं, कभी कुछ वाणी गा रहे हैं, कभी किसी को पत्र दे रहे हैं, कभी किसी को पत्र दे रहे हैं, कभी किसी की टीका कर रहे हैं, कभी किसी की टीका कर रहे हैं, कभी किसी भाषा में अनुवाद करके पहुँचा रहे संदेश, तो कभी किसी भाषा में पहुँचा रहे संदेश। फिर भी वो इन प्रयासों से जो फल मिलना चाहिए था वो प्राप्त नहीं हुआ, तो उस असफलता से वो डिग नहीं गए हैं, उन्होंने अपने कार्य को, अपने उत्तरदायित्व से पीठ नहीं मोड़ी है, और ना ही वो निराश हो रहे हैं। वो पूरे आशा के साथ, उतने ही जोश के साथ अपना जागनी का कार्य कर रहे हैं। हमें भी उनसे सीख लेनी पड़ेगी सुंदर साथ जी, बार बार। हम तो अपनी आत्म जागृति के लिए भी बार बार प्रयास नहीं करते हैं, कुछ दिनों तक ध्यान किया और फिर छोड़ दिया। जब हम स्वयं की आत्म जागृति के लिए भी इतनी निष्ठा से नहीं चल पा रहे हैं, तो हम दूसरों को क्या कह पाएंगे। और क्या कह रहे हैं कि आपन, अभी तक तो क्या हुआ था, एते दिन इन जहान में बहुत डरते लेते नाम, कि अब तक तो इस संसार में बहुत डरते लेते नाम, ये कैसा समय था कि इमाम मेहदी का नाम लेने से भी डर रहे थे। और संसार की बात तो छोड़ो, उनको क्यों डर लग रहा था कि हमको गर्दन मारेगा, कि ये अगर औरंगजेब को पता चल गया कि हम हिंदू होकर भी मुसलमान, मतलब इमाम मेहदी पर ईमान लेकर आए हैं, या उनका संदेश, उनकी कुरान की चर्चा कर रहे हैं, टीका कर रहे हैं, तभी तो हम, आपने सुना ना सुंदर साहब जी कि कैसे सारे चले जाते हैं, जो टीका करवा रहे हैं वो भी चले जाते हैं, अनुवादक जो है वो भी डर के मारे कभी बुनकर हो रहे हैं, कभी कुछ दिनों तक सेवा करते हैं फिर वापस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे औरंगजेब से डर रहे हैं, शरीयत से डर रहे हैं, कर्मकांड से डर रहे हैं, सब कुछ स्वीकार करते हुए भी नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। और उसको चुनौती देते हुए सुंदर साथ क्या कर रहे हैं कि हमको गर्दन मारेगा, लेते नाम इमाम। इन बातों से ना डरते हुए सुंदर साथ ने क्या किया, अब तुम इन जैसे हुए के, आप तो इन चुनौतियों से नहीं डरे, आप तो उनके जैसा ही भेष धारण करके उनके बैठे इन अंदर, आप उनके घर में बैठ गए हो, उनके घर पे जा बैठे हो, थाना मेहंदी का थापिया, और उनके ही घर में जाके दुश्मन की फौज में जाकर आपने वहाँ पे क्या कर दिया है, थाना थाप दिया है।
अब हल्ला मोल लिया है, अपना ज्ञान केंद्र बना दिया है। और वहाँ पे बैठ के पहले तो छिप छिप के रह रहे थे सब, और अब क्या कर रहे, खुले आम जाकर उन्हीं के घर में बैठकर उन्हीं के कुरान से उन्हीं की हदीसों से सारा कुछ बता रहे। और आपने भी तक सुनी सुंदर साहब जी की, काजी सामने से आकर पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये सनन भी बताओ, इसका अर्थ क्या है ये भी बताओ। उनके धर्म ग्रंथों की बात, उनके मोहम्मद मेहदी साहब का पैगाम, और सुंदर साथ उनको बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि राज जी ने हमें कैसा मता दिया, एता मता तुमको दिया सो जानत है तुम दिल। हमें ये सारा कुछ दिया, उसमें कुछ भी बाकी नहीं रखा है। तो कमी अगर अभी कुछ हो रही है तो वो हमारी तरफ से है सुंदर साथ जी। तो हम सिर्फ ज्ञान को सुने ना, उसको जीवन में उतारे, जितना भी सुने उसका चिंतन करे कि इससे हमें जीवन में क्या सीख मिल रही है, कहाँ हम हमारे अंदर कमी रह रही है। बीतक हमें यही सिखाती है कि हमें स्व की आत्म जागृति को कैसे, मतलब स्व की आत्मा को कैसे जागृत करना है और दूसरों की आत्मा को कैसे जागृत करना है, और इस संसार में प्राणना जी के संदेश को फैलाकर कैसे सबको एक ही धर्म के नीचे लाना है। और आज जो संसार में धर्म के नाम पर अधर्म फैला हुआ है, जो आतंकवाद फैला हुआ है, हिंदू समाज हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भूले हुए हैं। और धर्म, धर्म किसे कहते हैं कि जो झगड़ों से परे करने वाला, वो एक परमात्मा के चरणों में ले जाने वाला है। और सारे कहते, वेद भी कहता है कि एकमेव अद्वितीय, वो एक है और उसके जैसा और कोई नहीं है। मुसलमान भी कहते हैं कि एक अल्लाह ताला है, नानक एको सुमरिय, नानक जी ने भी कहा एक, सब बोलते एक है, लेकिन वो एक कौन है, कहाँ है और कैसा है वो किसी को भी नहीं पता है। और इसी के कारण सब आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और मतभेद हो रहा है। जिस परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, जिसके हुक्म से हम सब टिके हुए हैं, उस एक परमात्मा को मानने में भी सबका अहंकार बीच में आ रहा है और उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। और हमारे सुंदर साथ तो मैंने जैसे अभी अभी कहा कि राज जी के पैगाम को बस पूजा, आरती पूजा कर लो उसकी, उसको अभी भी खोलना नहीं है। और चर्चा करनी होती है तो क्योंकि खुद नहीं आता तो क्या करो, भागवत की चर्चा कथा करो, और उससे उनको लगता है कि जागनी हो जाएगी। अगर भागवत सुनने से ही जागनी हो जाती सुंदर साथ जी, तो 14 साल निष्ठाबद्ध, जैसे देवचंद्र जी ने भागवत सुनी, और कोई है जो इतनी निष्ठा से सुन पाएगा। और फिर भी जब 14 साल के बाद राज जी सामने आए ना, जब उन्होंने पूछा तो क्या बोल रहे हैं कि तुमने मुझे पहचाना, तुम जो मुझे ऐसे देख रही हो क्या तुमने मुझे पहचाना, तो वो श्यामा जी की आत्मा बैठी हुई है उस तन में। और जीव कौन सा है, देवापी का, इतना तप किया हुआ जीव। और वो क्या कह रहा है, लगता तो है आप मेरे खावन हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कहती। तो जो प्रश्न वो लेकर चले थे सुंदर साथ जी कि मैं कौन, कहाँ थे आइया, कहाँ है मेरा भरतार, 40 वर्ष तक सारे हिंदू धर्म में भटक भटक कर भी उनको वो जवाब नहीं मिल पाया। और अब दिल्ली के प्रसंग से हमें ये भी सीख मिल जाती है कि मुसलमानों को भी ये ज्ञान नहीं था कि इमाम मेहदी कौन है, कहाँ है और कैसे हैं और कैसे उनको प्राप्त करना है। और उनका संदेश लेकर तो बैठे हुए हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे, उसके भेद भी हमारे पास और हिंदू धर्म ग्रंथों के भेद भी हमारे पास। ऐसी कुंजी है हमें दई राज जी ने, और हम उस कुंजी को क्या कर रहे हैं, अगर उस कुंजी को, उस ज्ञान को लेकर अगर हम उसे कपड़े में लपेट के रख रहे हैं और भागवत की कथा चर्चा कर रहे हैं सुंदर साथ जी, तो सुनने वाले भी इतने दोषी हैं और सुनाने वाले तो और ज़्यादा। तो जैसे मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं उन अगुओं से डरता हूँ कि जो अंत समय में इमाम मेहदी आएंगे और राह गुमराह करेंगे, तो वो अभी के लिए भी कहा जा रहा है कि श्री जी ने भी कहा होगा कि मैं भी उन लोगों से डरता हूँ जो बैठेंगे तो घादी पर, जो कहलाए जाएंगे तो प्राणनाथ जी के अनुयायी, और क्या करेंगे, सुंदर साथ को और समाज को भटकाएंगे राह से, वाणी के ज्ञान से वंचित करेंगे और उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। और उनको सराहना करते हुए सुंदर साथ जी आगे देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं श्री जी की, और दज्जाल की कला दिन दिन पल पल, और आपने जो कार्य किया है सुंदर साथ जी, इससे क्या होगा कि दज्जाल जो है, अज्ञानता जो है, दज्जाल मतलब कोई बाहर से तो नहीं आएगा, दज्जाल कोई व्यक्ति है क्या, दज्जाल अर्थात शत्रु, शत्रु मतलब दज्जाल किसे कहते हैं सुंदर साथ जी, कि इसको अगर एक ही वाक्य में कहना हो तो हम ऐसे कह सकेंगे कि जो हमारे और राज्य के बीच में बाधा रूप हो,
चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई आदत हो, कुछ भी हो जो हमारे और राज्य के बीच में खड़ा है, तो उसे कहा जाएगा दज्जाल। दज्जाल करत कछु ऐसा, अंतर करत दखल, दोस्त को दुश्मन करे फिराए देवे कल। दज्जाल क्या करता है, हमारे अंतर मन को ऐसे कर देता है कि हमारी बुद्धि को ही उल्टा कर देता है, और जो करना चाहिए वो नहीं करने देगा, हमें सत्य राह से भटकाएगा। और वो मन ही है जो हमें सत्य मार्ग से भटकाता है, और अभी भी जो राह हमारे संप्रदाय में सबने पकड़ी हुई है वो भी मन के कारण ही तो है, क्योंकि वास्तव में जो ज्ञान है उसको हम समझ नहीं पाए हैं। जब हम खुद समझेंगे तभी तो दूसरों को समझा पाएंगे। और श्री जी कह रहे हैं कि दिन दिन पल पल अब जो आपने कार्य किया है उसके कारण दज्जाल की कला घटती जाएगी, और दृष्ट दज्जाल की बाहर, और जो दज्जाल है उसकी दृष्टि क्या होगी, बाहर की दृष्टि होगी, ऊपर की दृष्टि होगी। तुमको दई दृष्ट अंदर, और आपको मैंने क्या दिया हुआ है, अंदर की दृष्टि दी हुई। बाहर की दृष्टि मतलब सुंदर साथ जी कि मुसलमानों के पास गए सुंदर साथ पैगाम लेकर, उन्हीं के धर्म ग्रंथ से, वो जिनको मान रहे हैं उन्हीं की बात कह रहे हैं, और फिर भी वो स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये हिंदू वेशभूषा में आए हैं। अगर औरंगजेब हिंदू भेष में आए, किसी फकीर को इमाम मेहदी समझ के उनके चरणों में चला जाएगा, तो हमारा तो शरीयत का राज्य ही समाप्त हो जाएगा, हमारा शासन समाप्त हो जाएगा। जो हिंदू लोग मुगलों से डरते हुए आ रहे हैं, जो हमारी गुलामी में है, वो तो फिर हमसे एक हो जाएंगे ना, तो हमारा शासन खत्म हो जाएगा। और इसी तरह से डरते डरते ऐसी ही सोच के साथ, सिर्फ अगर हम सोचें सुंदर साह जी कि उस समय इमाम मेहदी अगर मुसलमान तन में आए हो तो फिर औरंगजेब को कोई परवाह नहीं थी, जस्ट सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू तन में आए हैं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, ना उस ज्ञान को सुना और ना ही इमाम मेहदी के संदेश को सुना। इतना ही नहीं, उन्हीं के मुसलमानों के द्वारा मक्के से जो पैगाम आया उसको भी अनसुना कर दिया। इसीलिए कहा गया है कि दृष्ट दज्जाल की बाहर, दज्जाल की कैसी दृष्टि होगी, बाहर की दृष्टि होगी, बाह्य वेशभूषा को, बाह्य आडंबरों को देखेंगे। और हिंदू समाज भी तो यही कर रहा है, धोती तिलक माला बाह्य ही तो सारा कुछ कर रहा है, अंदर से तो कुछ नहीं हो रहा है। और हमारा सुंदर साथ समाज भी यही कर रहा है, बाहर ही की तो बंदगी है सारी, जो कुछ भी अभी हो रहा है। हम सोचे सुंदर साथ जी कि जब अगर तो हम इस वाणी के ज्ञान को फैलाने के लिए उस समय जो कुछ भी घटित हुआ, या जहाँ जहाँ भी श्री जी के स्वरूप की पहचान हुई, श्री जी ने ज्ञान के अलावा तो कुछ लेकर नहीं निकले हैं, जहाँ भी सुंदर साथ उनको संपत्ति दे रहे, धन दे रहे, सारा कुछ तो बिहारी जी के पास भिजवा दे रहे, लेकिन फिर भी उनकी विजय होती जा रही है। किस बल पर, किस बल पर बड़े बड़े राजा बादशाह, चिंतामणि जैसे कबीर पंथ के आचार्य हो, भीम भाई जैसे वेदांत आचार्य हो, या फिर लालदास जी जैसे भागवत के आचार्य हो, वो सारे उनके चरणों में आ रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। मुसलमान भी आ रहे हैं, अभी तक हमने सुना, आगे भी सुनेंगे, सारे उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, इसी ज्ञान के बल पर ना। और उसी ज्ञान को अगर हम बंद करके रखेंगे, उसके बदले हम भागवत की कथा करेंगे, तो कैसे हम इसको फैला पाएंगे, तो कोई आएगा हमारे चरणों में, हमारे प्रियतम के चरणों में कोई नहीं आएगा। और इसी कारण से हमारे पास इतना ज्ञान होते हुए भी, ऐसे सर्वशक्तिमान प्रियतम के ऐसी कुंजी होते हुए भी, जिसको हम बीतक में सुनते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों को एक करने की क्षमता रखता है, पूरे ब्रह्मांड को एक अक्षरातीत प्रियतम के चरणों में लाने की क्षमता है इस ज्ञान में, और फिर भी हम क्या कर रहे हैं, सरसावा कितना छोटा है, सारनपुर कितना छोटा है, वहाँ पर भी हम सबको बता नहीं पाए हैं कि प्राणनाथ जी कौन है, वो एक परमात्मा कौन है जिसके लिए दुनिया राह देख रही है। तुम ऊपर उतरा अश्राफिल, और सुंदर साथ को कह रहे कि मैंने तो आपको अंतर के लोचन दिए हैं, ज्ञान दृष्टि दी है, कि जिससे जागृत बुद्धि का ज्ञान आपके पास आया हुआ है शब्दों इन ऊपर, इनके पास तो केवल शाब्दिक ज्ञान है जिससे उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो क्यामत के निशानों को जाहिर समझ के उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे हिंदू भी विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मुसलमान भी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो शाब्दिक ज्ञान को ले रहे हैं कि ऐसे ऐसे दज्जाल आएगा, काना दज्जाल आएगा, और दाबतुलज नाम का जानवर आएगा, और वो ये करेगा वो करेगा, मुर्दे कब्रों से उठेंगे, सूरज मगरब से उठेगा उगेगा,
ऐसे जो जाहिरी निशान है वो देख रहे हैं, उसी को सब कुछ समझ के बैठे हुए हैं। हम ये सोचे सुंदर सा जी कि कभी कब्रों से ये शरीर उठेगा, अभी जाके हम खोदें तो कब्र तो मिट्टी बन जाएगी, कौन उठेगा फिर, कौन सी कब्र में से कौन से मुर्दे उठेंगे, कौन सा सूर्य उस समय उगा था और कौन सा सूर्य अब पश्चिम में से उगेगा, किस दिशा को पूर्व कहा गया है, किस दिशा को पश्चिम कहा गया है, किसी को ये पता नहीं है। हमारे पास इसका ज्ञान है लेकिन हम इसको फैला नहीं पा रहे हैं, तो हमारे इस अपराध का कोई प्रायश्चित होगा सुंदर साथ जी? और श्री जी के ये एक एक वचन हमें उसी राह की ओर ले जा रहे हैं कि वाणी ही सर्वस्व है, हमारा सब कुछ है, और हमें अपने ज्ञान को, वाणी को फैलाने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करना चाहिए। और सोचे ना सुंदर साथ जी, जिस श्री जी को खुश करने के लिए हम सोने से मर रहे हैं, उस सोने के पैसे से अगर हम विश्वविद्यालय बनाए, धर्म का प्रचार करें, जहाँ पर वेदों को पढ़ाया जाए, कुरान को पढ़ाया जाए, सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ाकर दर्शन शास्त्रों को पढ़ाया जाए, ऐसे विद्वान तैयार किए जाए कि जो जाकर जैसे वो 12 मोमिनों ने सब जगह मुसलमानों को, मुगलों की सल्तनत को झुकाया, जैसे श्री जी ने हरिद्वार में कुंभ के मेले में हिंदुओं को झुकाया, शास्त्रार्थ में हराया, उसी तरह से ऐसे ऐसे विद्वान तैयार हो तो क्या हम अपने इस ब्रह्मांड में नहीं फैला के जा सकते अपने को? और तभी तो बोल रही है ना इंद्रावती की आदम की ऐसे सुंदर साथ को करोड़ों बार प्रणाम है। हमारा तो धन भी गलत दिशा में जा रहा है, हमारा समय भी गलत दिशा में जा रहा है। और इसी की तरह राजी हमें समझाते हुए कह रहे हैं, हमारी गलतियों को सुधारने का हमें अवसर दे रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, तुम जुद करते रहियो। जो सुंदर साथ है बाकी सब आके मिलेंगे, लेकिन जो भी चरणों में आए हैं उनको कहते हैं श्री जी, राज जी क्या कह रहे हैं कि आप बस युद्ध करते रहना, इसी तरह से धर्म युद्ध में लगे रहो, तुमको लोचन दिए अनंत, आपको मैंने ऐसा ज्ञान दिया है जो ना इस ब्रह्मांड में कभी आया था और ना ही कभी आएगा। और इसी ज्ञान के आने के कारण ये ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति प्राप्त होनी है। और दज्जाल की एक आँख आखिर इनको अंत, और ये दज्जाल जो बाहरी आंखें रखता है उसको अंत समय क्या करना पड़ेगा, इसका अंत होगा ही होगा, क्योंकि हमेशा विजय किसकी होती है, सत्य की होती है। और एक समझियो तुम दज्जाल से जुद किया भली भांत सो सब हुआ हुक्मे। और इस बात को निश्चित कर लेना कि आपने ये जो युद्ध किया है, दज्जाल को हराया है, वो सिर्फ और सिर्फ राज्जी के हुक्म से, उनकी शक्ति से, उनकी इच्छा से हुआ है। दज्जाल की लड़ाई में ज्यों पहली सुअर की चोट, और जैसे दज्जाल के साथ अगर युद्ध करने जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, सुअर की चोट। सुअर क्यों कहा गया है यहाँ पे, सुअर का उदाहरण देके क्या समझाया जा रहा है कि जैसे जंगली सुअर होता है सुंदर सा जी, वो क्या होता है, उसके ना दांत जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली, वो दांतों से किसी को भी फाड़ सकता है, शेर की भी छाती को चीर सकता है, बड़े से बड़े हाथी को भी पछाड़ सकता है, उतनी ताकत होती है उसमें, एक उसकी गति और दूसरा उसकी शक्ति। लेकिन उस सुअर को क्या होता है कि अगर उसको सामने से मारने जाओ ना तो वो हाथी और शेर को भी हरा देगा, लेकिन उसकी गर्दन में जो है वो एक ही नली होती है, जो हमारे यहाँ पर जॉइंट होता है बाकी सारे प्राणियों के, जिसके कारण गर्दन मुड़ सकती है, वो उनके गले में नहीं होती, तो वो ना तुरंत नहीं मुड़ सकता है, उसको मुड़ना हो तो पूरा घूमना पड़ता है। तो उसके कारण क्या कहा जाता है कि अगर उस सुअर को हराना है तो क्या करना पड़ता है, उसको सीधे ना मार के उसको पीछे पीठ पे प्रहार करो तो वो तुरंत मर जाता है, उसकी पीठ कमज़ोर होती है। तो श्री जी ने ये दृष्टांत क्या क्यों दे रहे हैं यहाँ पर कि आपने भी क्या किया कि ये शरीयत पे चलने वाले जो अंधे मुसलमान हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बाहर की दृष्टि रखते हैं, जो मुसलमानों को वेशभूषा से मानते हैं, हिंदुओं को भी वेशभूषा से ही हिंदू मान रहे हैं, उनको अगर आपको समझाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको वेशभूषा बदल के जाना पड़ता, क्योंकि हिंदू वेशभूषा में तो वो सुनते ही नहीं, और आपने फकीरों का, सूफी फकीरों का भेष धारण किया, तो आपने क्या किया, सुअर की जैसे सामने वाली चोट थी उसको आपने जीत लिया, वो अवसर आपने उनको दिया ही नहीं कि वो सामने से आपको प्रहार कर सके। दूसरी बात, अगर उन मुसलमानों के सामने सुंदर साथ लड़ के जीतना चाहते तो जीत पाते उस मुगल सल्तनत को? नहीं, उनको ज्ञान से ही झुकाया जा सकता था, उनको विनम्रता से ही झुकाया जा सकता था, और सुंदर साथ ने वही किया और बाजी मार ली। और हमें भी यही करना है सुंदर साथ जी, जैसे हम चाहते हैं ना, कहीं वाणी का हर एक प्रसंग, बीतक का हर एक घटनाक्रम हमें ये सिखाता है कि कैसे वाणी को फैलाना है, कैसे स्व की जागृति करनी है।
आगे प्रसंग आएगा कि हरदास जी के पास जब श्री जी गए थे हरजी व्यास के पास, तब कैसे एक महीने तक श्री जी ने सुनी चर्चा, जबकि ये किस्से कहानियाँ सुन के सुनना उनके लिए कितना कष्टकारी रहा होगा। उनको तो सब कुछ पता है, जिस तन में अक्षत साक्षात बैठे हुए हैं, जिस तन से वो अक्षतीत के दिल की ज्ञान धारा प्रवाहित हुई है इस ब्रह्मांड में, वो जाकर वहाँ पे उनकी भागवत की किस्से कहानियाँ सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी को सुनाना है, समझाना है, तो पहले उसको सुनना पड़ेगा। और वो सारी बातें श्री जी बताते हुए कह रहे हैं कि आपने सुंदर साथ को समझा रहे हैं कि आपने जो पहली सुअर की चोट होती है उसको बहुत अच्छे से रोक लिया है, बचा लिया है, और अब क्या होगा, तीस वास्ते ये यों कहया सब जानवर के कांध के कांध में संत, इनके एके नली गले में हक तरफ है अंध। और क्यों ऐसा कहा गया कि वो हक की तरफ अंध होंगे, क्योंकि वो राज्य की बात को नहीं सुन पाएंगे, वो बस बाहरी वेशभूषा में ही रह जाएंगे और बाहर की सत्ता को ही सब कुछ मानेंगे। और वो ही किया मुगलों ने, ज्ञान से मानते हुए भी उसको स्वीकार नहीं किया, और सिर्फ बाह्य वेशभूषा के कारण औरंगजेब भी इमाम मेहंदी की राह देख रहा था, मिले भी, पता भी चला, फिर भी छोड़ नहीं पाया झूठी सत्ता को और सत्य प्रियतम के चरणों में नहीं जा पाया। तो सुंदर साथ को श्री जी क्या कह रहे हैं, यह बात तुम समझियो, बचाइए सामी चोट, सो तो तुम बचाए लई, अब होए तुम्हारे कदमों लोटपोट। अब देखो, आप जैसे जैसे उनको ज्ञान सुनाओगे कैसे वो आपके चरणों में लोटपोट हो जाएंगे, और सिर्फ मुसलमान भी नहीं, मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी आपके चरणों में आएंगे, पूरा संसार आपके चरणों में इसी ज्ञान के बल पर आएगा। इसी ज्ञान रूपी तलवार से इस काने दज्जाल को मारा जा सकता है, इस अज्ञानता को हटाया जा सकता है, और सबको उस धनी की पहचान कराई जा सकती है जिसकी पहचान करना ही इस मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और क्या कह रहे हैं श्री जी सुंदर साथ जी, कि इनके गुलाम होए के तुम करियो उत्काम। आप क्या करना, अब जितने दिन वहाँ पे रहोगे उनके गुलाम बनकर रहना। गुलाम बनना मतलब उनकी सेवा चाकरी करने के लिए नहीं बोले, गुमान, जैसे गुलाम को कोई भी बात आप बोलो कि एक ही पानी का गिलास आप बोलोगे 10 बार लेके आओ, उसको करना पड़ेगा, है ना, वो सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता है। इसी तरह से श्री जी बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि वाणी को आप फैलाओ, तो आपको विनम्रतापूर्वक बहुत ही प्रेम से अपनी बात को रखना है, शालीनतापूर्वक रखना है, तुम करियो उत्काम, और तभी हमारा काम हो पाएगा, बात बन पाएगी। ये थोड़ी इशारत लिखी वास्ते दिन इस्लाम, और सत्य धर्म को कैसे प्रचारित करना उसके लिए थोड़ी बहुत बातें मैंने संकेतों में आपको समझाई है। पीछे तो तुम बुद्धवान हो, और आप तो कैसे हो, बुद्धिशाली हो, चतुर प्रवीण हो, आपको सब कुछ पता है, फिर भी मैं आपको संकेतों में थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, क्योंकि आपके ऊपर अभी जो समय चल रहा है वो परीक्षा का समय था जिसको आपने उत्तीर्ण किया है। तो ना तो आपको असफल होने के मतलब मुगलों के सल्तनत में जो कुछ भी आप पर हुआ, ना उससे आपको निराश होना है, और ना ही आपने जो परचम फैलाया है उसके कारण अहंकार लेना है, और सम रहते हुए इस कार्य को करते जाना है। और क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी, वचन चोखा कहियो, अगर आपको जो कोई भी मिले विनम्रता से और प्रेम पूर्वक उनको समझाना है, लेकिन जब भी सत्य की बात आए तो उसको स्पष्ट रूप से कह देना है। जब सत्य की बात आए तो उसमें आपको कोई भी समझौता नहीं करना है, चोखा जवाब देना है, घुमा फिरा के बात नहीं कहनी है। जैसे श्री जी ने हरजी व्यास से सारा कुछ सुना एक महीने तक, लेकिन जब प्रसंग आया बेहद का, और जब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तब श्री जी ने कुछ भी कसर नहीं छोड़ी और एक ही बार में सारा कुछ बता दिया उनको, और उनका गुमान जो है, अहंकार है, वो टूट गया। उसी प्रकार से हम सोचे चिंतामणि जी, उनका गुमान भी तो टूटा सुंदर सार जी, लेकिन उस चिंतामणि को सच में शाबाशी है, धन्य धन्य है वो, कि हजार शिष्यों के साथ भी वो श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए थे। और उस औरंगजेब की हमें दोनों से सीख लेनी चाहिए सुंदर सार जी, कि औरंगजेब से भी तो हमें सीख मिलती है, कि अगर हम कुर्बानी ना कर पाए इस संदेश को लेकर, इस ज्ञान को लेकर, समझ कर भी अगर हम माया को पीठ ना दे पाए, संसार को पीठ ना दे पाए, और
ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्किन, जो तुरंत जगाने वाले वचन है, उसको भी अगर हम सिरोधार्य करके इस झूठे संसार में ही लगे रहे, अपने धनी का ना संदेश फैलाया और ना ही स्व की आत्मा को जागृत किया, तो उसका कोई पश्चाताप नहीं होगा। हमारी अंत समय में क्या गति होगी, जैसे औरंगजेब की हुई। सुंदर साथ जी, जिस समय दिल्ली में सुंदर साथ पे ये जुल्म ढाया गया, उसके बाद औरंगजेब कभी भी सिंहासन के ऊपर नहीं बैठ पाया। वहाँ से सुंदर साथ तो चल दिए अपना पैगाम पहुँचाकर, लेकिन जब भी औरंगजेब अपने तख्ते ताऊस पर बैठने के लिए जाता था, उसको एक दिन क्या दिखा, वहाँ पे शेर दिखा। तो उसके दरबारी उसको बोलने लगे कि बादशाह सलामत, आप तशरीफ क्यों नहीं रख रहे हो तख्ते ताऊस पर? तो उसने क्या कहा कि वहाँ पे तो शेर गुर्रा रहा है, मैं नहीं बैठ सकता हूँ। तो उसके दरबारियों ने कहा कि बादशाह सलामत, आप कैसे बातों से डर रहे हैं, वहाँ पे कोई शेर नहीं है। लगता है कि वो फ़कीर जिसका पैगाम लेकर आपके पास वो मोमिन आए थे ना, उन्होंने कुछ जादू टोना कराए हुए। आप डरिए मत, आप बैठिए उस पर, हम बोल रहे हैं, हम पर विश्वास करिए और इस पर बैठिए। और जैसे ही औरंगजेब बादशाह उस पर बैठने गया तो धड़ाम से गिर गया, और उसके बाद वो कभी भी उस तख्ते ताऊस पर बैठ नहीं पाया है। क्योंकि जैसे ही श्री जी को ये समाचार मिले थे, तो उनके मुख से क्या निकल गया था, श्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो जबराइल को आदेश दे दिया, जब उनको पता चला कि मेरी प्यारी ब्रह्मात्माओं पर, जो मेरा संदेश लेकर गई थी, उस पर ऐसा जुल्म ढाया है इन मुसलमानों ने, शरीयती मुसलमानों ने, तो श्री जी के मुख से क्या निकल गया था कि जबराइल इस ब्रह्मांड को ही खत्म कर दो। लेकिन राजजी ने अंदर से उनको आदेश दिया, शांत करते हुए कहा कि मिहराज, अभी समय नहीं आया है, अभी तो ना औरंगजेब की आत्मा जागृत हुई है, ना ही छत्रसाल जी की, ना शाकुंडल की आत्मा जागृत हुई है, ना ही शाकुमार की आत्मा जागृत हुई है, ना ही जागनी की लीला पूरी हुई है, ना ही हमने प्राणना जी की पहचान करवाई है सबको, तो इस प्रकार से हम नहीं जा सकते हैं। और तब वो शांत हुए, और उसके बाद भी मुग़ल सल्तनत को तो उन्होंने श्री जी का की लानत लगी, और उसके बाद मुग़ल सल्तनत पीढ़ी दर पीढ़ी, दो पीढ़ी तक बड़ी मुश्किल से चल पाई, और उसके बाद ख़त्म हो गया मुग़ल का साम्राज्य। और हम सोचे सुंदर साजी कि अगर हम भी जो परमहंस ब्रह्म मुनि वाणी को सिरोधार्य करके सत्य धर्म की स्थापना कर रहे हैं, राज्य की पहचान करवाने के लिए अनेकों प्रयास कर रहे हैं, और अगर हम उन परमहंस ब्रह्मात्माओं को भी अपशब्द कहेंगे, उनके चरणों में जाने वाले सुंदर साथ की राह को भी भटकाएंगे, उस वाणी से भी उनको गुमराह करेंगे और अन्य धर्म ग्रंथों की पूजा में लगाएंगे, श्रवण में लगाएंगे, तो हमारी अंतगति क्या होगी और हमें किसका किसकी लानत लगेगी? और जो भी ऐसा कर रहे हैं उसको आत्ममंथन करना चाहिए, बीतक के इस प्रसंग से, इस बड़ी पत्री से सीख लेनी चाहिए कि हमें अगर हम सुधार नहीं लाए स्वयं में, तो इसका कैसा परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। इस दुनिया की झूठी बादशाहियत के लिए उस औरंगजेब ने इमाम मेहंदी के संदेश को नहीं माना, उसका उसने जिस राज्य के लिए उनको ठुकराया था, वो राज्य का भी पतन हो गया, और जिस इमाम मेहंदी की राह देख रहा था, पूरा जीवन उसके लिए व्यतीत करा, उसके चरणों में ना जा पाने के कारण अंत समय में उन्होंने जो पत्र लिखा, उसमें क्या लिखा है अपने बच्चों को कि मेरी हर एक सांस जो है उसमें मुझे प्रायश्चित हो रहा है कि वो इमाम मेहंदी मेरे पास आए थे और मैंने उनके संदेश को स्वीकार नहीं किया, और मैंने जो कोई भी युद्ध किए हैं छत्रसाल जी के साथ, जो सत्य धर्म पर चल रहे थे, उसका भी मुझे बहुत पश्चाताप है। मैंने हिंदुओं पर जो अत्याचार किया धर्म के नाम पर, उसका भी मुझे पश्चाताप हो रहा है। सोचिए सुंदर साहब जी, क्या स्थिति रही होगी उस जीव की जिसने इतने अत्याचार और इतने गलत कार्य किए हुए। ब्रह्मात्मा है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मात्मा हो जाने से कुछ नहीं हो जाता। बिहारी जी के अंदर भी ब्रह्मात्मा है,
लेकिन अगर उसके जीव ने कुर्बानी नहीं की तो कुछ नहीं हो पाएगा सुंदर साहब जी। और हमारे अंदर भी ब्रह्मात्मा है, हमें भी जैसे इमाम मेहदी साहब का संदेश पहुंचा औरंगजेब के पास, श्री जी का संदेश हमारे पास वाणी और भीतक के माध्यम से पहुँच रहा है। और अगर हम इसे आत्मसात नहीं करते हैं, उल्टी राह चलते हैं, तो हमारी भी अंतगति ऐसी ही होगी। और औरंगजेब कहता है कि मेरे जीवन का वो ही समय सार्थक है, मेरी उतनी ही सांसें सार्थक है जो मैंने उस परमात्मा की, उस अल्लाह ताला की याद में बिताई है, बाकी मेरे सारे जीवन के लिए मुझे अफसोस है। और हमें भी अफसोस करना पड़ेगा सुंदर साहब जी, और यहाँ पे नहीं परम धाम में भी अफसोस होगा हमें कि हाय हाय ऐसे मौले महबूब से हुए नहीं सन्मुख, कि ऐसे प्यारे प्रियतम हमें लेने के लिए आए थे और झूठे ब्रह्मांड की झूठी चाहतों के पीछे लगते हुए हमने इस सच्चे प्रियतम के दिल को दुखा दिया और उसकी बातों को अनसुना कर दिया। हमें ये अवसर मिला था तीसरी बार उसको खुश करने का और हम ये ना कर पाए। और क्योंकि हमें ये, ताकि हमें ये प्रायश्चित ना हो, समय रहते हम सुधर पाए, इसीलिए इस ब्रह्मवाणी में, इस बड़ी पाती में हमारे प्रियतम हमें क्या कह रहे हैं, इन सुंदर साथ को पत्र लिखा है, लेकिन किसको कहा जा रहा है, हमारे लिए ही ये कहा जा रहा है कि साथ चरने हैं सो तो आए सही, पर पिछले कारण है वाणी कही। हम ही वो पिछले हैं जिनके कारण ये वाणी कही गई है। और पिछले नहीं, हम तो उस पिछले में भी पिछले रह गए हैं अब सुंदर साथ जी, कि अभी भी हमें तो भी घाव ना लगी आ रे कलेजे घाव ना लगी आ रे। इतने गुण धनी के देखकर, इतनी वाणी सुनकर भी हमारा दिल कोमल नहीं हो पा रहा है और उस प्रियतम की राह पर नहीं चल पा रहा है, ना हम स्वयं उस चितवनी की राह पर चल पाए और ना हम दुनिया को चला पा रहे हैं। तो हम सोचे कि हम कहाँ जाकर और कैसे अफसोस करेंगे और किस प्रकार से हमारे प्रियतम को मुख दिखाएंगे। और क्या बोल रहे हैं श्री जी कि आप ये संदेश जो दे रहे हो, कोई लड़का एक बुद्ध सो, जब आप जागने के कार्य के लिए निकल गए हो तो पहले तो विनम्र बनना, प्रेम से चलना, ज्ञान की तलवार से इस दज्जाल को हराना, जिसको भी हराना हो ज्ञान से हराना, सत्य ज्ञान के बल से। ये ऐसी कुंजी है कि जिससे आप पूरे संसार को भी राज्य के चरणों में ला सकते हो, सबको एक कर सकते हो। वाणी को हम हल्के में लेते हैं सुंदर साची, वाणी क्या है जरा हम ये भी तो सोचें, क्या है वाणी, क्यों हम इसको पधराया, क्यों हमने इसे पधराया हुआ, क्यों श्री जी ने इसको पधराया हुआ है। जब वो समाधिस्थ हुए तब उन्होंने तो उन्हीं के तो आदेश से इसे पधराया गया है, साक्षात राज्य के आदेश से इस वाणी को पधराया गया, क्योंकि ये राज्य का क्या है, ज्ञानमय स्वरूप है। और इसके हर एक वचन को किसी व्यक्ति ने नहीं कहा है, किसने कहा है, देखो खोल वाणी श्री प्राणनाथ धनी जी ले आए धाम थे वचन। कहाँ से लेकर आया है और कौन लेकर आया है, साक्षात अक्षातीत प्रियतम ये धाम से लेकर आए हैं वचन, जिनसे न्यारे न हुए चरण। और जो भी इसको आत्मसात करेगा वो धनी से एक पल के लिए भी दूर नहीं होगा। और उसी वाणी को हम ढापे हुए हैं सुंदर साची, उसी वाणी का हम मंथन नहीं करते हैं, इसलिए स्वयं भी भटक रहे और दूसरों को भी भटका रहे। उस औरंगजेब की तरह हम खुद भी बाह्य आडंबरों के पीछे लगे हुए हैं और भोले भाले मासूम सुंदर साथ को भी उल्टी राह पर चला रहे हैं। तो औरंगजेब के पास तो उस समय समय था कि और किसी जन्म में वो आत्मा को और किसी तन में शोभा मिलने वाली ही है अंत समय पे, लेकिन आज के जो गादीपति महाराज बने बैठे उनको तो शायद वो समय भी प्राप्त नहीं होगा। और उन्हीं महाराजों को अपने प्रियतम राज्य से भी अधिक महत्व देकर हम कहाँ जाएंगे सुंदर साथ जी, ये हमें आज के समय में आत्ममंथन करना है। और वो सुंदर साथ तो औरंगजेब से नहीं डरे और हम तो हिंदू धर्म में हमारे धर्म के अनुयायी महाराजों से ही डर के बैठे हुए हैं, तो हमें भी सोचना है कि हमारी पहचान कहाँ तक है और हमारी गति क्या होगी। जो बुलाए अपने लड़के को यह जवाब करो तुम, जिस प्रकार से कोई बड़ा
माँ बाप अपने बच्चे को बुलाते, उसी प्रकार से जब आप जागने की सेवा के लिए निकलो तो उनको प्यार से बुलाना, जो कोई आवे हमारा ताए सुनावे सनंदे कुरान, और उनको क्या कहना। अब सुंदर साथ को श्री जी बता रहे हैं कि उन लोगों को तो आपने समझा दिया, और उनसे अब आप इस तरह से बात करना कि अगर कोई हिंदू आता है तो हम उनको हिंदुओं के धर्म ग्रंथों से मोहम्मद साहब की पहचान कराएंगे, उनको समझाएंगे और मोहम्मद साहब के स्वरूप की पहचान करवा के उन पर ईमान लेवा के आएंगे। और अगर कोई मुसलमान आता है तो उसको भी हम सत्य इमाम मोहम्मद साहब की पहचान करवाएंगे, उस अल्लाह ताला की पहचान करवाएंगे, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह और मुसलमानों को मुसलमानों की तरह। इस समझे सब अपनी मिने जब आए इमाम आखिर। अब वो इमाम मेहदी आ गए हैं जो हिंदुओं को भी समझा के एक करेगा और मुसलमानों को भी उनके धर्म ग्रंथों से समझा कर एक करेगा। और इसी को समझाने के लिए सुंदर साहब जी उस समय हरिद्वार में कुंभ मेले में भी शास्त्रार्थ हुआ और यहाँ पे मुगल सल्तनत को भी चुनौती दी गई। क्या श्री जी नहीं जानते थे कि अभी समय नहीं है, औरंगजेब की आत्मा नहीं जागृत होगी? वो धनी जानते थे, लेकिन वो हमारे लिए करवाया गया ताकि हम इस वाणी को फैलाने में कहीं पे भी संकोच ना करें या हम कहीं पीछे ना हटे। अब क्या कहा जा रहा है सुंदर साहब जी, और जो तुम जाहिरी खिलाने लगो गोश्त, उनको समझाना। श्री जी क्या बोल रहे हैं, उन मुसलमानों को समझाना कि आप जो सबको ज़बरदस्ती, उस समय क्या किया जाता था कि जो कोई हिंदू होते थे उनको ज़बरदस्ती गोश्त खिलाया जाता था, मांस खिलाया जाता था उनके मुख में, और उनको कहा जाता था कि अब आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। तो जैसे यह किया जाता था हिंदू भी उनको स्वीकार नहीं करते थे, और फिर क्योंकि हिंदू ने बहिष्कृत कर दिया तो उनको क्या करना पड़ता था, ज़बरदस्ती मुसलमान बन जाना पड़ता था, उनके पास कोई चारा नहीं रहता था। तो इस तरह से जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। और अभी भी तो देखें ना, क्रिश्चन वगैरह धर्म तो थे ही नहीं, अभी वो क्या करते हैं? क्रिश्चनिटी अभी फैल रही है, क्यों फैल रही है सुंदर साक्षी? हमने क्या किया कि जाति के आधार पर अपने ही आदिवासी भाइयों को दलित कह के, नीच जाति का कह के उनसे बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया, उनको अछूत कहना शुरू कर दिया। और वो उनके पास जब चारा नहीं रह गया, क्रिश्चियन क्या करते हैं, उनको कहते हैं कि आप जब क्रिश्चियन बन जाओगे, अब सोचो कि हमारे पास कोई अछूत आता है, हम उनको अपने मंदिरों में ना प्रवेश करने देते, ना घर में प्रवेश करने देते हैं, और वो ही अछूत अगर क्रिश्चियन बन गया और कल को हमारे घर में आएगा तो हम उसको बैठने के लिए आसन दे देंगे। तो जो प्रताड़ित वर्ग है वो, उनके पास तो ज्ञान नहीं है, ना ही इतनी बुद्धि है, बेचारा अनपढ़ है, वो क्या करेगा? तो इसमें भी कहीं ना कहीं किसकी गलती है? हमारी ही गलती है जिसके कारण धर्म परिवर्तन हो रहा है। और उस समय जब श्री जी ये कह रहे हैं ना सुंदर साहब जी कि ऐसे उनको बताना कि हम हिंदुओं को भी समझा कर आपके चरणों में लेकर आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदुओं को मुसलमान बनाने की बात कह रहे हैं। श्री जी तो हिंदू और मुसलमान इन सब से परे हैं, हमारी वाणी इसको बंटवारा करने के लिए नहीं आई है, सबको एक धर्म पर खड़ा करने के लिए आई हुई है। तो फिर कैसे वो जागृत करेंगे? कि जैसे वो बोल रहे हैं कि हम उनको बताएंगे कि जिसको मुसलमान अल्लाह ताला कह रहे हैं उसी को आप क्या कहते हो, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, जिसको मुसलमान कहते हैं कि ये क्या है कि ला इलाह और इल्लल्लाह, क्षर अक्षर और अक्षरातीत है, उसी को हम क्या कहते हैं, हद बेहद और परम धाम। जिसे हम क्षर अक्षर अक्षरातीत कहते हैं उनको ही वो ला इलाह इल्लल्लाह कहते हैं, उसी को वो अक्षर पुरुष को वो क्या कहते हैं, नूर जलाल, और अक्षर पुरुष को वो क्या कहते हैं, नूर जलाल, और राज्य को वो कहते हैं नूर जमाल। सिर्फ भाषा का अंतर है, वास्तव में ये सब क्या है, एक ही तो है। सिर्फ और सिर्फ भाषा का अंतर होने के कारण ये सारे झगड़े हो रहे हैं। तो हम उनको प्रेम से ज्ञान से समझाएंगे, आप जो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे हो वो वास्तविक राह नहीं है, और इससे अगर कोई मुसलमान बन भी जाता है तो उसके दिल में आपके मोहम्मद साहब के लिए, इमाम मेहदी के साहब के लिए या कुरान के लिए कभी मान सम्मान नहीं आ पाएगा। तो आप ऐसा ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन मत करो, जो अत्याचार कर रहे हो वो करने की आवश्यकता नहीं है, हम उनको पहचान करवाएंगे और प्रेम पूर्वक उनको आपके चरणों में लेकर आएंगे, आपके मोहम्मद साहब के चरणों में लेकर आएंगे। क्योंकि
उनको हम समझाएंगे कि आप जिसको श्री कृष्ण मान रहे हो, कृष्ण मानकर जिसकी पूजा कर रहे हो, वास्तव में वो कौन है? नारायण के, विष्णु के ही अवतार है। और वो नारायण कौन है? क्षर पुरुष है, जिसकी जिसके संकल्प से सृष्टि पैदा होती है। और उसको तो निगम तक की भी गम नहीं है, क्योंकि हमें पता है सुंदर सार जी कि नारायण कहाँ तक, जिससे नारायण कौन है? जिससे कि वेदों का ज्ञान अवतरित होता है। और वो कौन है? अक्षर के स्वाप्निक मन के स्वरूप है। उनको भी पता नहीं है कि अक्षर कौन है, वो भी क्या कहते हैं? निगम, मुझे उस परमात्मा की गम नहीं है। जिससे सृष्टि की रचना हुई उन्हीं को नहीं पता है कि वो परमात्मा कौन है, तो उसे दिए हुए ज्ञान से या उसके बनाए हुए जीव, उसी के अंश रूप जीवों को कैसे पता हो सकता है? तो श्री जी क्या कह रहे हैं कि उनको आप समझाना मुसलमान को कि आप ऐसे अत्याचार मत करो। हम हिंदुओं को समझाएंगे कि आप जिस कृष्ण को मान रहे हो, जिस नारायण की पूजा करते हो, उसी को ये क्या कहते हैं? उस अक्षर को, जो नारायण जो है, जो अक्षर का स्वाप्निक मन का स्वरूप है, उसी अक्षर को, अक्षर की आत्मा जो है वो किस में आई थी? नबी में आई थी, रसूल साहब में वही आए थे। रास खेल तहाँ रास खेल के आए बरारब श्याम, 63 बरस तहाँ रहे वायदा किया इस ठाम। रास में जो स्वरूप खेला था कृष्ण का, वही स्वरूप तो अरब में मोहम्मद साहब के रूप में उस परमात्मा का पैगाम लेकर आया, और उसी ने वो राह चलाई है। तो जब हम उनको सत्य ज्ञान से समझाएंगे तो फिर उनके मन में कोई भी संदेह नहीं रह जाएगा, और वो खुशी से मोहम्मद साहब पे ईमान लेकर आएंगे, और सारा समाज, सारी सृष्टि वो सत्य धर्म के नीचे आ जाएगी, और सारे मतांतर एक हो जाएंगे। सत्य दिन की स्थापना हो जाएगी, वैश्विक शांति की, वैश्विक धर्म की स्थापना हो जाएगी। इस प्रकार से आप प्रेमपूर्वक मुसलमानों को समझाना। ये कौन बता रहा है सुंदर सार जी? श्री जी बता रहे हैं। किनको बता रहे हैं? वो 12 मोमिनों को सिखापन देते हुए हमें समझा रहे हैं, हमें सीख दे रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि श्री महराजे तीन को दिया रसूल पर ईमान, कि महराज जी ने कई सुंदर साथ को इस तरह से मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी इमाम मेहदी के स्वरूप पर ईमान दिलवाया हुआ है। और काफ़ी सुंदर साथ उनको श्री जी बोले कि उनको बताना कि जो फ़कीर साहब है, उन्होंने बहुतों को इस ज्ञान के माध्यम से समझाया भी है। काफ़ी मुसलमान भी उनके चरणों में आए हुए हैं और हिंदू भी उनके चरणों में आए हुए हैं, और उनके मन में मोहम्मद साहब के प्रति या कृष्ण के प्रति कोई भी भेद नहीं है। वो दोनों को जान गए हैं कि एक ही है, एक ही अक्षर की आत्मा थी, जिसने कृष्ण के तन में भी लीला खेली, और उसी ने रसूल बनकर राज्य जी का पैगाम लेकर और कुरान लेकर आए, और वही अंत समय में इमाम मेहदी बनकर विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार बनकर आए। लेकिन क्या बोल रहे हैं? पर हम पर कसाला पड़ा, ताथे हटे न ल्यावे ईमान। बोल रहे हैं कि आप उनको समझाना कि श्री जी वो जो फकीर है, वो कई लोगों को आपके मोहम्मद साहब के चरणों में लेकर आए थे, उन पर ईमान देकर आए थे, लेकिन अब सोचो आपने हमें ये कष्ट दिया पैगाम पहुँचाने के मार्ग में, और इसके कारण जब ये बात उनको पता चलेगी कि अगर श्री जी का सच्चे धर्म का प्राणनाथ जी का पैगाम देने के लिए जाए या इमाम मोहम्मद साहब का पैगाम देने के लिए जाए, तो इस प्रकार से कष्ट भोगतना पड़ता है। तो अब वो क्या कर रहे हैं? डर गए हैं आपसे, पर हम पर कसाला पड़ा, क्योंकि ज़बरदस्ती की आपने, तो वो सुनकर ताथे हटे न ल्यावे ईमान, वो पीछे हट जाएंगे और ईमान लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि उनका अभी ईमान इतना पक्का नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि वास्तव में सब कोई प्रेम से मोहम्मद साहब के चरणों में आए, इमाम मेहदी को माने, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबको उनके चरणों में लेकर आना होगा। तो इस सत्य धर्म को प्रेम से समझाना पड़ेगा, और वो ज्ञान हमारे पास है, हम समझा सकते हैं अगर आप मान जाए तो। और ये कहते हुए श्री जी आगे कह रहे हैं कि जोर से कीजिए मुसलमान तो साफ न होए दिन। अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो उनका दिल साफ नहीं हो पाएगा। बाहर से मुसलमान बना दोगे, लेकिन उनके मन के संशय समाप्त जब तक नहीं होंगे, तब तक वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह से राजी न होवे इन पर, वो कभी भी राजी नहीं हो पाएंगे अगर आप उनको मुसलमान बना भी देते हो तो क्यों पावे कदम मोमिन, वो कभी भी मोमिन नहीं बन पाएंगे।
और बहुत कह के मता ना जानो तुम, थोड़ा थोड़ा कहियो फिर लिख कर भेजे। और श्री जी बोलते हैं कि उनको इस प्रकार से प्रेम पूर्वक समझा देना और थोड़ा थोड़ा करके समझाना। अगर कोई हिंदू आ रहा है, मुसलमान आ रहा है, उनको एक साथ ही सारा कुछ नहीं बता देना, थोड़ा थोड़ा समझाना है, आहिस्ता आहिस्ता से। सुंदर साथ से क्या गलती हो जाती है, सुंदर साथ जी अगर कोई आ गया तो हम क्या करते, एक ही दिन में सारा कुछ बता देते, नहीं, धीरे धीरे से पहले उनको सुनो, उनको समझो। वो इतने सालों से जिनको मानते आ रहे हैं उनको क्यों मान रहे हैं, फिर उनको समझाओ उन्हीं के धर्म ग्रंथों से, तो कोई भी अपना बुरा नहीं जाएगा, वो अवश्य स्वीकार करेंगे कि सच्चे धर्म को निष्पक्ष हृदय से उनका हृदय स्वीकार कर ही लेगा। और अगर हम एक ही दिन में सारा कुछ कहना चाहेंगे तो हमारी स्थिति भी कैसी होगी, वापिस ही आना पड़ेगा हमें खाली होकर, कोई भी नहीं समझेगा, जैसे हम भी तो नहीं समझ पा रहे, इतने सालों से हमको भी समझाया जा रहा है, क्या हमने समझ लिया, हम भी तो अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। अगर समझ जाते तो जोए विचारिए, एक वचन तो अलग था ये पासे थी कि फिर तो हम नहीं अलग होते इस वाणी से, इस राह से, अपने प्रियतम से। लेकिन हम भी तो माया के चक्कर में आ जाते हैं, माया हावी हो जाती है, संसार और शरीर के रिश्ते हमारे लिए हावी हो जाते, तो कहीं ना कहीं आपन हजुओ नथी ओलख्या जुओ विचारी मन विविध पेरे समझाविया अने कही निध तारतम। हमें तारतम की निधि दी है रची ने, अनेक प्रकार से समझाया लेकिन अभी तक हम समझ पाए नहीं है, हमें वो पहचान नहीं हुई है, क्योंकि जब पहचान होवे वाको तो सहे ना बिछोहा खिन। अगर हमें पहचान हो जाती तो हम एक पल के लिए भी अपने प्रियतम का बिछोहा वियोग सहन नहीं करते। और हमारे लिए तो क्या स्थिति है अभी सुंदर साथ जी, कि उस प्रियतम को याद करने के लिए बैठना ही आफत बन जाती है। ध्यान में कुछ पलों के लिए उस राज्य के सामने बैठना हमें कष्टकारी लगता है, जबकि अगर हमें पहचान हो जाएगी तो क्या होगा, न्यारा निमक ना हो वही करने पड़े ना याद, आशिक को माशूक का कोई इनविद ला गया स्वाद। हमें ऐसा स्वाद आएगा उस प्रियतम के प्रेम का कि एक पल के लिए भी वो हमारी आंखों से या यादों से हट नहीं पाएगा, हमें उसको याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही वो और हम दोनों एक हो जाएंगे, इस प्रकार से उसके प्रेम में डूब जाएंगे। लेकिन श्री जी क्या कह रहे हैं कि पर एक बात बड़ी हुई जो करे तुम्हारा विश्वास, अपना भी भेष राख के काम करने की थी आश। सुंदर साथ को बोल रहे हैं कि सुंदर साथ जी आपको तो ये इच्छा थी, आपके मन में ये चाहना थी कि आप हिंदू के भेष में ही उनसे बात कर ले। पहले तो हिंदू के भेष में ही गए ना सब जगह पे पत्र पहुंचाने के लिए, शेख सलेमान के पास भी हिंदू के भेष में ही कई महीनों तक गए, लेकिन और हिंदू के भेष से हुए नहीं ये काम। जब हमने देखा कि हिंदू भेष रखने से ये बातें कभी सुनने वाले ही नहीं मुसलमान, तो आपने क्या कहा, इन क्या किया, इन भेष सो मजलिस प्रतीत न करे इस्लाम, कि अगर हिंदू भेष में जाएंगे तो ये लोग कभी भी विश्वास लेकर नहीं आएंगे। तो इसीलिए आपने क्या किया, अपना भेष बदलने में भी बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। और इसी के कारण क्या हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि तुम हिंदुओं के भेष से जिन करो शर्म, पहले तुम सिर भान्या शर्म का तुम जानत एह मरम। कि आपने क्या कर लिया है कि श्री जी ये क्यों समझा रहे हैं सुंदर साथ जी, कि आपने जो हिंदू भेष धारण किया है ना उसके कारण क्या हुआ, सुंदर साथ ने हिंदू भेष को बदला और सूफी फकीर का भेष धारण करके मुगलों के दरबार में रह रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है। आपने एक प्रसंग सुना होगा जब शेख इस्लाम के घर पे थे और सुंदर साथ जब सनंद की किताब से बता रहे थे, तब एक हिंदू दरोगा आया था और वो बोल रहा है कि मुझे आज इनकी बातें सुनकर क्या लगता है, ऐसे मुसलमानों ऐसे हिंदुओं के नाम पर मुझे धिक्कार है, मुझे आज ये लग रहा है कि ये ज़मीन फट जाए और मैं उसमें घड़ जाऊँ, कि ऐसे हिंदू है जो हिंदू होकर भी मुसलमानों के अल्लाह ताला की बात कर रहे हैं, मोहम्मद साहब की, बिना एक मोहम्मद वो बोल रहे कि और कोई पैगंबर ही नहीं है मोहम्मद साहब के बगैर, जो हिंदू के इतने अवतार हैं उसको अस्वीकार करके उस मोहम्मद की प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी महिमा गा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है सुंदर साहब जी, उन मोमिनों के लिए सिर्फ भेष बदलने के कारण हिंदू भी दुश्मन बन गए थे और मुसलमानों ने तो उनको स्वीकारा ही नहीं था। औरंगजेब ने क्यों बात नहीं सुनी, क्योंकि उसके दरबारियों ने उनको भड़का दिया था कि इनमें 10 तो हिंदू है और 2 मुसलमान है,
चार है हिंदुस्तान के, दिल्ली के, और बाकी है बाहर के, और यह निश्चित आपके शत्रु ने किसी के चालवश आपको मारने के लिए भेजा हो सकता है, और इसी के चलते उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो उन सुंदर सात की स्थिति क्या रही होगी, मानसिक स्थिति सुंदर सात जी की, जब वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उनको दिलासा देते हुए श्री जी उनको बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, आपने ये जो भेष बदला है ना, उसके लिए आपको शर्मसार नहीं होना है, आपको गर्व होना चाहिए कि आपने इस लौकिक मान मर्यादा को, जिसको रो रो कर दुनिया रखती है, उसको आपने हंसते हुए छोड़ दिया, उसको आपने इस लौकिक मान मर्यादा को अपने पैरों के नीचे कुचलते हुए, धर्म की राह पर चलते हुए, उस प्रियतम की जागने की राह पर चलते हुए, उस प्रियतम के नाम का परचम फैलाते हुए बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है, और निसंकोच होकर आपने अपना आपोपा निशंक डारिया। उसके लिए आप गर्व अनुभव करना, कभी भी उसके लिए शर्मसार मत होना। और इतना ही नहीं सुंदर सार जी, हम आगे के प्रसंग में देखेंगे ना कि सिर्फ हिंदू और मुसलमानों ने उनसे द्वेष नहीं किया, जब वो 12 मोमिन जाएंगे वापस जब वो पहुंच जाते हैं, तब श्री जी के चरणों में जाकर मिलते हैं उदयपुर में, तब मुकुंददास जी और अन्य सुंदर साथ जो है उनमें भी खलबली मच गई, और वो भी इनसे क्या कर रहे थे, दूरी बना के रख रहे थे। वो प्रसंग हम आगे सुनेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने दूरी बनाना शुरू कर दिया था, कि मुसलमानों के पास जाकर आए हैं, इनका धर्म भ्रष्ट हो गया, पता नहीं क्या कुछ करके आए होंगे, क्या के आए होंगे, तो हिंदुओं को भी उनसे घिन आ रही है, मुसलमानों की भी आ रही है, और सुंदर साथ भी उनसे दूरी बना रहा है, लेकिन श्री जी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। श्री जी तो उनके चरणों पर कुर्बान होते हैं जो उनके नाम का परचम फैलाते। श्री जी ने उस समय क्या किया, सब सुंदर साथ को फकीरी भेष धारण करवा दिया। वो प्रसंग हम आगे सुनेंगे, लेकिन अभी के लिए वो सुंदर साथ को बोल रहे कि आपको इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, आपने जो भेष बदला है वो अपने स्वार्थ के कारण या किसी के दबाव में नहीं बदला है, लेकिन राज्य की राह पर चलते हुए धर्म के कार्य को फैलाने के लिए, सत्य धर्म का प्रचार करने के लिए ये किया कार्य किया है, तो आपको उसमें अफसोस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और क्या कह रहे हैं सुंदर साची, तोलो मत सबन की और अलेह सलाम, ज़्यादा कम है किन की, सब मिल बैठे इंठाम। और उनको क्या कहना, जब अगर कोई आपके साथ विरोध में भी आए ना, तो उनको समझाना उनके शास्त्रों से, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों से और मुसलमान के धर्म ग्रंथों से, एक सत्य धर्म, एक सत्य प्रियतम की पहचान करवाना, उस सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान करवाना, इससे क्या हो जाएगा कि वो आपका विरोध नहीं करेंगे और आपकी बात को मान के आपको सम्मान देंगे, आपने जो किया उसको वो समझेंगे और आपसे द्वेष जो है उनके दिल में वो समाप्त हो जाएगा। नबी नारायण की सनंद मारियो मोह पर, अगर वो नहीं समझ रहे तो उनको नबी और नारायण की सनंद से समझाना कि आप जिसे नारायण मानते हैं उनको तो अक्षर तक की भी सूद नहीं है, और जिसको मुसलमान नबी मानते हैं वो है अक्षर की आत्मा, और वो अक्षर क्या है, उस अक्षरातीत अल्लाह ताला का सत अंग है, उस परब्रह्म का सत अंग है, और उसने तो उस अक्षरातीत की बात को बताया हुआ है, तो आपको सिर्फ भाषा का अंतर होने से उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। तो उनको नबी और नारायण की जो सनंद ग्रंथ में किताब अवतरित हुई थी ना सुंदर साथ जी, मेड़ते जाते समय, उसी से समझाने के लिए श्री जी बोल रहे हैं। और क्या कहा जा रहा है, ये तो सब में रस में लड़त है अहंकार। और आप उनको ये भी बताना कि ये जो हिंदू मुस्लिम का है, जितने भी धर्मों का आपसे मन मोटाव हो रहा है, झगड़ा चल रहा है, वो क्यों चल रहा है, कि क्योंकि उनकी रीति रिवाज, उनकी रस में आपस में लड़ रही है, बाकी वास्तव में उस परमात्मा को जब जान जाएंगे तो झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। जब जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक, जब सबका धनी एक है तो अंदर आपसी झगड़ा होगा ही नहीं, जब पता नहीं है तभी तो ये झगड़ा हो पा रहा है। और इस झगड़े का को समाप्त कैसे किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी ब्रह्मवाणी से। ये तो सब में रस में लड़त है अहंकार, जब फुरमान के मायने जाहिर खोले परवरदिगार, जब आप राज्य की मेहर से इसके बातिनी भेद को खोल के बता देंगे, फिर वो आपसे नहीं लड़ेंगे। दरवाज़ा इस्लाम का कुंजी गंज खुदा है। और क्या बोल रहे हैं कि इस्लाम का, उस सत्य धर्म का दरवाज़ा श्री जी ने, राज्य ने आपके लिए खोल दिया है, कुंजी गंज खुदा है। गंज मतलब सागर, उस प्रियतम, प्रियतम किस किस का सागर है, दुनिया क्या कहती है,
तू प्रेम का सागर है। वो प्रियतम जो प्रेम का सागर है, उसने अपने हृदय की कुंजी चाबी तारतम वाणी के माध्यम से सो हकी मेहर कर, प्रियतम ने मेहर करके कृपा करके दई तुमको पहुँचाए, हमें वो निधि दे दी है, ज्ञान रूपी उस वाणी को दे दिया है सुंदर साहब जी। और अब हमें क्या करना है, देखो राज जी ने हमें वाणी भी दे दी, तारतम रूपी कुंजी भी दे दी और खोलने की कला भी सिखा दी बीतक के माध्यम से। अब अगर कमी है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे समर्पण की और हमारे पुरुषार्थ की। तो आज बीतक के इस प्रसंग से हम सीख लेते हैं सुंदर साहब जी कि इस ब्रह्मवाणी के प्रचार प्रसार के लिए ही हमारी हर एक सांस लगे, हमारा तन मन धन और हमारा जीव सब कुछ किसके लिए न्यौछावर हो, इस ब्रह्मवाणी को, इस सत्य धर्म को फैलाने के लिए, दुनिया को हमारे उस प्राणनाथ प्रियतम की पहचान करवाने के लिए और हमारी स्व की आत्म जागृति के लिए। और क्या बोल रहे हैं श्री जी, गोविंद भेड़ा तुम जानत ताको बल न चले लगा। आप इस संसार की बात को सुनना मत, राज जी ने आपको ऐसी वाणी दी है कि ये जो गोविंद भेड़ा रूपी संसार है, आप सबने शायद पहले सुन लिया होगा सुंदर साहब जी ये दृष्टांत कि गोविंद भेड़ा नाम का एक पटेल था जो मर गया था और उसकी कुछ इच्छाएं बाकी रह गई थी, तो वो प्रेत योनि का शिकार बन गया। अब वो बन गया भूत, अकेले क्या करता, उसको चाहिए थी अपनी मंडली। तो उसने सोचा, उसने क्या करा कि वो जिसको भी छूता, उसने क्या किया कि एक ना मंडल बना दिया, एक बहुत ही अच्छे से मार्केट सजा दी उसने, जहाँ बहुत ही मन को लुभावनी मतलब आकर्षित करने वाली लुभाने वाली चीज़ वस्तुएँ रख ली। अब जो भी वहाँ पे जाता उन चीज़ वस्तुओं को देखता और जैसे उसको छूता वो बन जाता भूत और हो जाता उस गोविंद भेड़ा की मंडली में शामिल। अब क्या हुआ, एक बार तीन महात्मा वहां से गुजरे और उनको ये पता था, जिस गांव से वो गुजर रहे थे उन्होंने बताया कि आगे उस रास्ते से मत जाना, वहां पर इस तरह से गोविंद भेड़ा की मंडली है, वहां जाने से क्या हो जाएगा कि आप भी भूत बन जाओगे। तो बोल रहे बचने का तरीका, तो बोल रहे बस वहां जितनी भी चीज वस्तुएं दिखे आप ना उसको देखना ना स्पर्श करना, सीधे ही चले जाना, फिर आपको वो गोविंद भेड़ा की मंडली कुछ नहीं कर पाएगी। फिर ठीक है, इतना आसान है। तीन महात्मा वहाँ से होकर गुजर रहे हैं, पहले में ये दृढ़ता थी कि ना दाएं देखा ना बाएं देखा, जब कुछ लेना ही नहीं तो देखना ही क्यों, सीधा चला गया। उसको कुछ भी नहीं, ना उसने देखा ना छुआ ना कुछ उसको असर हुई, बहुत ही प्यार से उसने आसानी से पार कर ली वो मार्केट। दूसरा बंदा, उसको लगा कि चलो लेना तो नहीं है, देखने में क्या हर्ज है, तो वो थोड़ा बहुत देख रहा है और थोड़ी बहुत लालच भी आ रही है उसके मन में कि ले लूँ, फिर उसको लग रहा है नहीं नहीं, वो पहला महात्मा निकल चुका है, मुझे बताया गया है अगर मैंने ये स्पर्श कर लिया तो मैं बन जाऊंगा भूत और मुझे भूत नहीं बनना है, मेरे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। वो भी उस महात्मा के नक्शे कदम पर चलते चलते वहाँ से पार हो गए। अब तीसरा महात्मा, वो चल तो रहा है लेकिन उसके मन में आ रहा है कि अब झाड़े का मौसम आ रहा है और वो वहाँ पे जब अंतिम जो काउंटर है जहाँ पे अंतिम टेबल लगा हुआ है वहाँ पे बहुत कोमल कंबल है और मैं क्या करूँगा, एक पैर बाहर रखूँगा और एक पैर अंदर रखूँगा, जैसे ही वो कंबल उठाऊँगा और बाहर चला जाऊँगा, सर्दी के मौसम में कंबल तो चाहिए होगा ना, काम आ जाएगा। अब ये सोच रही रहा है तब तक तो गोविंद पटेल जो है जो भूत बन चुके हैं वो आए, वो कंबल को सामने से दे रहे हैं कि ये ले लो आपको सर्दियों के लिए काम लग जाएगा। तो उसने बोला कि चलो अब मैं ले ही लेता हूँ, जैसे ही उसने उस कंबल को छुआ वो बन गया भूत। और इस संसार को गोविंद भेड़ा क्यों कहा गया है सुंदर साहब जी, और वो तीन महात्मा कौन है, हम सब जानते हैं कि पहला महात्मा थी ब्रह्मात्माएं, जो जिसको पता चल जाएगा वाणी के माध्यम से कि ये शरीर और संसार गलत है,
ये जो इंद्रियां हैं वही हमें इस माया के विषय सुखों में भटकाने वाली है, और इसी के विषय सुखों में भटकते भटकते हमने इतने सारे जन्म लिए हैं और आगे ही लेते रहेंगे। हमें इन व्यर्थ के कर्मों में नहीं भटकना है। तो वो ना दाएं देखेगी ना बाएं देखेगी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रियतम के चरण कमल को अपने दिल में बसाए हुए, वाणी को फैलाते हुए, अपनी आत्म जागृति करते हुए प्रेममय ध्यान से इस संसार से फोड़ ब्रह्मांड पीयूपास जाऊं, वो अपने प्रियतम के चरणों में चली जाएगी। दूसरी जो सृष्टि है वो कौन है? ईश्वरी सृष्टि। वो क्या करेगी? थोड़ी बहुत कभी कभी उसका मन डिकमगाएगा, लेकिन वो भी ज्ञान से सबके ज्ञान रूपी विवेक से खुद को संभालेगी और प्यार से मोमिनों के कदमों पर कदम रखते हुए वो भी पार हो जाएगी। और तीसरी जो जीव सृष्टियाँ हैं वो क्या करेगी? बात तो सच है, लेकिन सरकार श्री हमेशा कहा करते थे, लेकिन कुल देवी तो पूज भी पड़े, कि आप जो बोल रहे हो वो सत्य है, हम स्वीकार भी करते हैं, लेकिन जैसे शेख इस्लाम ने कहा कि सच बात है लेकिन स्वीकार नहीं कर सकते हैं, हम भी क्या करते हैं, बड़के हमारे कदीम के पूजत आए जे, इतने हमारे पूर्वज इनको पूजते आए, हम कैसे छोड़ दे। हम सोचे सुंदर साहब जी, ये ब्रह्मांड में हम कितने समय से आए हुए हैं, कितने सालों से हम पूछते आए होंगे, हमारे पूर्वज मतलब कहाँ कहाँ के होंगे, वास्तव में हमारा पूर्वज कौन है, हमारा वंश कौन सा है, और हम किसके वारिस है, हमारी धरोहर क्या है जिसको हमें दिया गया है और जो हमें फैलानी है, हम कौन है, किसके वारिस है? हम उस प्रियतम परमात्मा हमारे राज्य के वारिस है, उस अक्षातीत धनी के वारिस है। और हमारा खजाना क्या है? ये वाणी। और इसको छोड़ के हम इस शरीर और संसार के रिश्तों को, उनके इष्ट आराध्य को, उनके द्वारा माने जाते धर्मों को, पंथ पेड़ों को अगर महत्व देंगे, तो हम सोचे कि हम उन तीन महात्माओं में से कौन सी चाल चल रहे, गोविंद बेड़ा के कंबल के पीछे ही तो भाग रहे हैं हम भी, तो हम भी उसी भूतों में शामिल है जिन भूतों को हमें जगा के राज्य के चरणों में ले जाना था, हम तो उल्टी राह चला रहे हैं। जैसे गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने, गौतम बुद्ध ने अलग बौद्ध मत, उन्होंने कोई धर्म की स्थापना नहीं की थी सुंदर साची, गौतम मद ने क्यों, उसने क्या कहा कि जब वो बुद्ध बन गए, उन्होंने कहा, उनको उन्होंने जान लिया कि ये मूर्ति पूजा ये वो सारा सही नहीं है, उसके कारण बहुत सारी कुरीतियाँ और विकृतियाँ चल रही थी उस समय समाज में, तो उसी का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपके वेद ऐसा कह रहे तो मैं इस वेदों को भी नहीं मानता। ऐसा नहीं बोल रहे कि वेद झूठ है, लेकिन समझा रहे कि जैसे अगर हम भागवत की कथा करते हैं, हम जाके कुछ उल्टा फुल्टा बोलते हैं, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि अगर आपके राज्य ऐसा बोल रहे तो हम नहीं मानते ऐसे राज्य को। तो ऐसे ही गौतम बुद्ध ने बोला कि अगर आपके वेद ये सारी कुरीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, मूर्ति पूजा को, सती प्रथा को, या बहुदेव मानने वाले जो उस समय जो भी कुरीतियाँ फैली हुई थी, या मदिरा पान करने को, या जिस किसी को, तो मैं ऐसे वेदों को नहीं मानता हूँ, मैं उस सत्य को मानता हूँ। और उन्होंने अपनी नई राह चलाई। और अब उन्हीं के अनुयायी क्या कर रहे हैं? जिस मूर्ति पूजा का खंडन करने के लिए गौतम बुद्ध ने अलग राह चलाई, उन्हीं के अनुयायी बौद्ध की मूर्ति बना रहे हैं, तो उससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है बौद्ध का, कि उनका जो मूल सिद्धांत था उसी को उन्होंने उल्टा कर दिया। महावीर स्वामी जिन्होंने इतनी तपस्या की कि उन्होंने ना कभी वस्त्र पहने ना कुछ भी, और उनकी ही सोने से अगर मूर्ति बनाई जाए, तो इससे बड़ा अपमान कोई हो सकता है उनका? और हम सोचे सुंदर सा जी, हम इसमें तो अच्छा, हाँ सही बात है, लेकिन हम सोचे कि जिस श्री जी ने हिंदुओं के द्वारा बताए गई मूर्ति पूजा का खंडन किया, मुसलमानों के द्वारा चलाए गए कर्मकांडों का, शरीयत वाली राह का खंडन किया, उन्हीं की अगर हम मूर्ति बना के पूजते हैं, जिस दुनिया को हमें ज्ञान से प्रियतम के ध्यान में लगाना था, श्री जी ने जिस राह पर चलाया और अब भी पन्ना जी में बैठकर वो ध्यान ही कर रहे हैं, समाधिस्थ है, अंत समय पे सुंदर साथ को भी उन्होंने पन्ना जी में जो राह कर ध्यान ही करवाया है वाणी के अवतरण के बाद, अष्टप्रहर की सेवा में हम आगे सुनेंगे, उसी ध्यान की राह से विमुख होकर अगर हम
वाणी के ज्ञान को आत्मसात ना करते हुए उनकी मूर्ति बनाए, मेहर सागर का पाठ करके उनसे दुनिया की चीज वस्तुएं मांगे, उनको सोने के वागा वस्त्र पहनाए या उनके सिंहासन वगैरह सोने से चढ़ाने में ही अपना गौरव समझे, और जिस वाणी को उन्होंने पधराने के लिए बोला गया उस वाणी के ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए हम अपने तन मन और धन को समर्पित ना करें, तो हम भी तो उल्टी राह चल रहे हैं। और इससे बड़ा श्री जी का और ब्रह्मवाणी का कोई अपमान हो सकता है सुंदर सर जी? और चलो दुनिया वालों के लिए तो क्षमा शब्द है, लेकिन हमारे पास तो राज जी ने अभी बताया कि अपने दिल का सारा भेद वो सत्यवाणी दे दी है, जिससे हमारी वो चाबी है हमारे पास, जिससे कोई भी धर्म ग्रंथ का, कोई भी शास्त्र का, कोई भी गुत्थी हम आराम से सुलझा सकते हैं। और ऐसा ज्ञान लेकर हम ऐसे निठले होकर बैठे रहेंगे तो इसका कोई प्रायश्चित हो सकता है सुंदर सा जी? तो हम उस गोविंद भेड़ा की मंडली में शामिल हो गए, जबकि हमको तो उनसे उनको सत्य राह बतानी थी। हमारे कदमों पर हमें तो क्या करना था, हादी के कदम पर कदम धरे मोमिन कहिए, हमें तो श्री जी की राह पर चलना था, उन ब्रह्मात्माओं की राह पर चलना था, जिस प्रकार से उन्होंने शरीर और संसार के रिश्ते नातों को छोड़ा, अपनी धन संपत्ति लालदास जी जैसे सेठ ने अपना सब कुछ छोड़ा, चिंतामणि जी जैसे कबीर पंथ के आचार्य ने अपने सारे शिष्यत्व को, गुरु पने को सब कुछ छोड़ दिया, भीम भाई श्याम भाई ने अपना सर्वस्व नुछावर किया, लाल बाई ललिता सखी सबने, बाईजूराज महारानी सबने अपना सर्वस्व समर्पित किया इस राह पर चलते हुए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। हमको तो उनकी राह चलानी चाहिए थी, हमको तो उनके कदम पर कदम धरने चाहिए थे, और हम तो क्या कर रहे हैं, दुनिया की राह पर चलते हुए उल्टा ही कर रहे हैं, उन्हीं के ग्रंथों की चर्चा भी कर रहे हैं और उन्हीं की कर्म कांडों की सारी राह भी अपना रहे हैं। कल को हम सोचे सुंदर सार जी कि ये ज्ञान डब जाएगा, हमारी आने वाली पीढ़ी क्या कर पाएंगी, हम खुद भी अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे क्योंकि हम खुद ही नहीं समझ पाए हैं, और आज के बच्चों को हम कुछ भी बताएंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे, वो प्रश्न पूछेंगे कि ऐसा कैसे है, और जब तक हमारे पास वो ज्ञान नहीं होगा हम उनको कैसे समझा पाएंगे, और जब हम अपने बच्चों को नहीं समझा पाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि अच्छा हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं पन्ना जी में या गुम्मट जी में या जो भी स्थान है वहाँ पर, और वहाँ जाके वागा वस्त्र चढ़ा रहे हैं, मेहर सागर का पाठ कर रहे हैं, और यही करना हमारी राह है, तो वो एक रीति चल जाएगी और यही सब करते रहेंगे आने वाले कुछ सालों में। जिस तरह से श्री जी के बाद क्या हुआ, फिर ठंडे पड़ते गए, लाल कहे अंग ठरे, धीरे धीरे वाणी का प्रचार प्रसार कम होता गया, वाणी ढक गई, और थोड़े बहुत परमहंस परमात्माएं आती गई जिनके कारण कहीं कहीं वाणी फैलती गई, लेकिन जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और अगर हमने भी यही रीत अपनाई तो यही तो हो जाएगा कुछ सालों के बाद अगर हम सोचे तो। तो ये हमें आत्ममंथन करना है सुंदर सार जी, और श्री जी की ये बड़ी पाती हमें उसी की तरफ प्रेरित करते हुए कह रही है कि हमें इस गोविंद भेड़ा की मंडली में, गोविंद भेड़ा तुम जानत ताको बल ना चले लगा, अगर हम इस ज्ञान को लेकर चलेंगे तो उस गोविंद भेड़ा की मंडली का हम पर कोई भी बल नहीं चलेगा, वो हमें बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर पाएगा, एक 5 वर्ष को बालक इताए न सके मार। और अगर कोई राज्य की वाणी को लेकर, राज्य की शरण को लेकर चलता है तो 5 वर्ष का अगर छोटा सा भी बालक होगा ना, फिर भी माया उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। तो आप निश्चिंत होकर इस वाणी को लेकर चलिए और स्व की आत्मा को जागृत करिए और जागने का परचम फैलाइए। तुम अपने सुकन को अब जाहिर करो। आप क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है कि खुद स्वयं रहनी करके, प्रेममयी रहनी से सबकी आत्मा को जागृत करना और इस ज्ञान को एक एक जन तक पहुंचाना है, सारी सृष्टि में फैलाना है। तामे तुम्हारा आवेश इश्क जाहिर हुए बिच कुम। और इससे क्या होगा कि जब हम ऐसा करेंगे तो राज्य के आवेश से ये जो वाणी अवतरित हुई है उससे सब कोई उस प्रेम की राह पर चलेगा जिस प्रेम की राह पर आप चल के दिखाओगे। तो सुंदर साथ जी, आज जो हमने प्रसंग देखा, जहाँ तक की बड़ी पत्री हमने सुनी, उसमें श्री जी ने क्या संदेश दिया है, हमें इससे क्या सीख मिलती है कि जिस प्रकार से
उन 12 मोमिनों ने ज्ञान को ही सर्वोपरि माना, प्राणनाथ जी से ही अपने संबंध को निभाते हुए, उस शाश्वत संबंध को प्राथमिकता देते हुए, ज्ञान को पूरे ब्रह्मांड में फैलाते हुए मुगल सल्तनत को भी समझाया और हमें भी बीतक के माध्यम से समझाया जा रहा है, घटनाक्रम से हमें भी प्रेरित कर रहा है आज वो घटनाक्रम। और श्री जी ने जब ये पत्र लिखा और हमें जो कुछ भी सीख दी है उससे भी हमें क्या समझना चाहिए कि कमी हमसे कहाँ रह रही है। उन सुंदर साथ के पास तो उस समय सारी वाणी नहीं थी, हमारे पास पूर्ण रूप से वाणी का ज्ञान है 14 किताबों के माध्यम से। राजी ने हमें जागृत बुद्धि और निज बुद्धि का ज्ञान भी दे दिया है। जब्राइल अश्राफिल भेज दिया आमर, जब्राइल अश्राफिल हमारे सिर पर एक पैर पर खड़े, इतना नहीं साक्षात राजी भी हक सिर पर इनविद खड़े, इस प्रकार से खड़े हैं कि हमें किसी की भी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस इतना चाहिए कि जिस प्रकार से उन सुंदर साथ ने मुगल सल्तनत में जाकर श्री जी का संदेश दिया, उसी प्रकार से हमें क्या करना है, हिंदू और मुसलमानों को वाणी के माध्यम से विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, इमाम महदी कौन है, उनके वास्तविक स्वरूप धाम और लीला का ज्ञान करवाना है, उनको पाने का मार्ग क्या है, कैसे प्रेममयी चितवनी के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है इस ब्रह्मांड में, वो समझाना है। और उसके लिए हमारा हथियार क्या है, एक तो ज्ञान रूपी तलवार और दूसरा प्रेम। जिस तरह से सुंदर साथ ने प्रेम से शेख इस्लाम को भी झुका दिया और उनको ये कहने पर विवश कर दिया कि हाँ इमाम मेहदी आ गए हैं हम स्वीकार करते हैं, उसी तरह से प्रेम पूर्वक विनम्रता से वाणी के वचनों को सबको समझाते हुए, स्वयं को समझाते हुए हम क्या कर सकते हैं, इस वाणी को दुनिया में फैला के जो जागो और जगाओ जो हमारा नारा है ना, उसको सार्थक कर सकते हैं वास्तव में, कि हम खुद की आत्मा को भी जागृत करें और पूरे ब्रह्मांड में भी सबकी आत्मा को जागृत करने के लिए भी माध्यम बने। करने कराने वाले राज्जी हैं, शक्ति उनकी है, लेकिन क्योंकि हम उनके तन हैं हमें उठना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा और हमें इस सत्य ज्ञान के प्रचार में अपना सर्वस्व समर्पित करना पड़ेगा। बहुत समय हो गया इस गोविंद भेड़ा की मंडल का आनंद लेते हुए सुंदर साथ जी, अब समय आ गया है कि हम इसको पूरी तरह से पीट दें, उन कंबलों को छोड़े, उन इंद्रियों के स्वाद को छोड़े। और बीतक के सबसे पहले प्रसंग में ही श्री जी ने जयराम भाई कंसारा को प्रबोधित करते हुए दीप बंदर में कहा था कि ये तो क्या है, कोई ना अघाया इन माया से चचोड़त ठोर मुर्दार, इस माया के विषय सुखों से कोई भी तृप्त ना आज दिन तक हुआ है, ना होगा और ना ही हो सकता है। हमें चाहिए कि हम इस ज्ञान को आत्मसात करें और सिर्फ कहने तक, कंठ तक सीमित ना रखे, रहनी से करके दिखाए और दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करे। जिस ब्रह्मात्मा, जिस ब्रह्म मुनि का दावा लेकर बैठे हैं वैसा ही आचरण करें और वैसे ही हमारे प्रियतम की पहचान को इस ब्रह्मांड में फैलाकर आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ सुंदर साथ जी हम चौपाई दोहराएंगे, इसके आगे किस प्रकार से बड़ी पत्री में आगे भी ब्रह्मात्माओं को, हम सबको सुंदर साथ को प्रेरित करेंगे श्री जी, और इसके बाद छोटी पत्री भी आएगी जहाँ पे श्री जी और सुंदर साथ के बीच में, जब सुंदर साथ दिल्ली में थे और श्री जी वहाँ पर नहीं थे प्रत्यक्ष रूप में, तो क्या कुछ वार्तालाप हुआ और वहाँ से आगे कैसे श्री जी उदयपुर चलेंगे, वो सारा घटनाक्रम हम कल सुनेंगे। सुंदर साथ जी चौपाई दोहराइए। तुम अपने सुकन को अब जाहिर करो, तुम तामे तुम्हारा आवेश, इश्क जाहिर होए बिचकुमा, इश्क जाहिर होए बिचकुमा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सुंदर साहब जी।